प्रोजेक्टर खोल लो। हेलो जनाब, हमारी आज पहली क्लास है। पेपर हमारा जो है वो फॉर्मरली F4 कहलाता है, और इसका जो नया नाम रखा है वो LW रखा गया, लॉ। तो इसका जो पूरा टाइटल है वो है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। तो हम आज की क्लास में जरा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमने इस पेपर में किस किस किस्म के टॉपिक्स देखने और किस तरीके से हमने जो है वो इसकी प्रिपरेशन करनी है एग्जाम के लिए। आप में से काफी सारे लोग मुझे मेरे ख्याल से पहले से जानते हैं क्योंकि FPT पढ़ा हुआ है मुझसे। तो जो नहीं जानते वो सुनने, मेरा नाम ज़ैद फातमी है और आपका ये पर्टिकुलर कोर्स अलहमदुल्ला पढ़ाते हुए मुझे काफी खासा अर्सा हो चुका है, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये कोर्स मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, जब ये रिटन एग्जाम होता था और पाकिस्तान स्टडीज की तरह का पेपर स्टार्ट था, 3 घंटों में 10 क्वेश्चंस करने होते थे डिस्क्रिप्टिव, 10-10 मार्क्स। सो अब काफी सिंप्लीफाइड हो चुका है ये पेपर। इवन जो आपका FBT का F1 का पेपर होता है वो भी काफी तगड़ा पेपर है, लेकिन ये जो है वो काफी सिमट चुका है। काफी सारे टॉपिक्स इसमें से निकाल के ACCA ने लगता है ये रियलाइज कर लिया है कि वो लॉयर्स बनाने नहीं जा रहा बल्कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं ये सारे। तो इनको जो लिमिटेड लॉ पता होना चाहिए सिर्फ उतना आपके साथ जो है वो शेयर किया। सो बेसिकली अपने पेपर में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, आज जरा हम सबसे पहले तो कोर्स स्ट्रक्चर देख लो। कितने टॉपिक्स हमें लिखे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? 7। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और इंग्लिश लीगल सिस्टम। सो हर लॉ में हमें ये 7 टॉपिक्स हैं, इसमें से 2 बड़े टॉपिक्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि वो 2 बड़े टॉपिक्स पढ़े बगैर अगर आप एग्जाम देने चले गए और बाकी सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, पेपर नहीं निकलेगा। अभी परसों एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, उसके सारे क्वेश्चंस सिर्फ जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ से आए हैं, कह रहे एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं था। और अगर ये 2 टॉपिक्स आप करके चले गए तो पेपर निकलने के चांसेस बढ़े गए, सारे करके चले जाते हो ऑब्वियसली, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। सो क्लास, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ काफी बड़ा पोर्शन है हमारे पेपर का, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन कंपनी लॉ का। एक कंपनी जो कि सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, आप अपने अर्लियर पेपर में ये चीज देखते हुए आते हो, एक कंपनी लॉ की नजर में क्या है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। मैं और आप नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है। सो कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, एस्टेब्लिश कैसे होती है, कंपनी में शेयर होल्डर्स कैसे बनाए जाते हैं, पहले पहले शेयर होल्डर्स कैसे आते हैं, बाद में शेयर होल्डर्स कैसे आते हैं, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर की ऑडिटर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनके डिसमिसल के क्या रूल्स हैं। तो कंपनी के स्टार्ट से लेके कंपनी के तमाम रनिंग मैटर्स जो लॉ पॉलिसाइज कर रहा है, रेगुलराइज कर रहा है, से लेके कंपनी का खात्मा, इनसॉल्वेंसी, कंपनी की लिक्विडेशन तक तमाम के तमाम मैटर्स हमारे कोर्स में कवर होंगे। 755 पेजेस का कंपनी एक्ट 2006 है यूके का, जिसका 80% हमें पढ़ाया जा रहा है अपने कोर्स में, सही है? और ये आपके कोर्स का तकरीबन 70% कवर करता है। वेटेज वॉल्यूम भी जो है वो टॉपिक वाइज इसका ज्यादा है, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ज्यादा कहाँ से आते हैं, कंपनी लॉ के एरिया से। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम कवर करेंगे खास सीक्वेंस में, वो कौन सा होगा क्लास? कंपनी लॉ। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकता हूँ, उसको मैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकता हूँ, बाकी सारा का सारा कचरा है
जो भी समेटना होगा हमने, ठीक है जी। अब जरा हर लॉ में क्या चीज हमें देखने को मिलेगी, इस चीज की बात करते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग का लॉ, दो पार्टीज जब डील करती हैं तो उन डील्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल होती हैं उनकी क्या हैसियत होती है पार्टीज के लिए, और अगर कोई पार्टी बैकआउट कर रही है पूरे कॉन्ट्रैक्ट से या किसी टर्म को ब्रीच कर रही है, तो ऐसे में दूसरी पार्टी को क्या ये राइट मिलता है कि वो अदालत में दरवाजा खटखटा सकती है। सही, तो इन चीजों के बारे में देखना है, और अगर राइट मिलता है तो क्या क्या ऑप्शन फिर उस पार्टी को दिए जाते। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअल ऑफ दैट ऑप्शन इज कि अगर किसी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से किसी दूसरी पार्टी का लॉस हो गया तो वो अपने लॉस का कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूजीलैंड की टीम ने बिल्कुल आखिरी वक्त पुल आउट किया था हमारे पास, स्टेडियम में जाके मैच स्टार्ट करना था और उनको सिक्योरिटी इश्यूज याद आ गए। ऐसे में कितनी सारी कंपनीज के स्पॉन्सरशिप मिली होगी उस टूर्नामेंट को, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए होंगे, होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे चेक इन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बीच में क्या हो गया कि होल्ड हो गया। पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनका कोई ना कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड होता है, और वो बेनिफिट उनको क्या होता हुआ नजर आता है, फॉरगो कर देते हैं, लॉस होता हुआ नजर आता है, जाता हुआ नजर आता है, और उसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं दूसरी पार्टी। तो बड़ी डिटेल में हमने इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, काफी चीजें हमारे कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हवाले से कवर की गई हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं पार्टीज के दरमियान होते हैं तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्या क्या एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को पहचानने के लिए, कब कॉन्ट्रैक्ट किन किन वे में ब्रीच हो सकता है, कब ब्रीच होगा तो जज पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देता है दो पार्टीज के दरमियान, कब ब्रीच होता है तो जज कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो, सिर्फ इनको जो है वो कंपनसेशन पे कर दो, आपने जो क्या कहते हैं बात नहीं मानी उसकी वजह से जो लॉस हुआ है, तो वो सारी सिचुएशंस हमने देखी। उसके बाद फिर लॉ ऑफ एजेंसी है, या जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, एजेंसी लॉ। आप में से किसी को पता है एजेंट कौन होता है? इतनी देर से आप लोग चुप बैठे हैं, थोड़ा आप लोग भी बताएं मुझे, कोई बता सकते हैं एजेंट कौन होता है जो किसी के बिहाफ के ऊपर क्या करता है, एग्रीमेंट करता है, डील करता है, आप कुछ कहना चाहते हैं, डीलिंग करवाता है दो पार्टीज के दरमियान, किसी और का कोई और व्यू हो एजेंट के बारे में, मिडिलमैन प्रॉपर्टी के लिए एक्शन करता है। तो एजेंट की बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ही यही है जो आप लोगों को माशाल्लाह पहले से पता है कि एजेंट जो है वो पार्टी है जो किसी के बिहाफ पे डील करेगा, जो दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज करेगा, जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट करके उनको मिलवाएगा, मिडलमैन का रोल प्ले करेगा, इंटरमीडियरी का रोल प्ले करेगा। तो ये एक लीगल रिलेशनशिप है, जो भी पर्सन एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट कर रहा होता है उसके साथ कुछ लीगल ड्यूटीज वगैरह अटैच की जाती है, उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती है, कुछ एबिलिटीज होती है, कुछ डिसेबिलिटीज होती है, वो इंशाल्लाह हम कहाँ आके देखेंगे एजेंसी लॉ। पहले आपके कोर्स में काफी सारा एजेंसी लॉ था, अब बहुत श्रिंक कर दिया गया एजेंसी लॉ को। अब हमारे पास सेंट्रल कॉन्सेप्ट एजेंसी लॉ में यही रह गया कि एजेंट की ना एक अथॉरिटी होती है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस के इसको फॉलो करके काम करे। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर एक एजेंट होता है, ये चीज आपने अपने अर्लियर कोर्स में देखी होगी, डायरेक्टर क्या होता है, एजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज डायरेक्टर कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, परचेज डायरेक्टर सप्लायर्स से कंपनी की क्या करवा रहा है, डील करवा रहा है, तो वो एक मिडलमैन का काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। अब एक केस हुआ, बॉस्टन डीप सी फिशिंग एंड आइस कंपनी वर्सेस एंसल, इस कंपनी ने अपने एक डायरेक्टर पे केस किया, सीईओ था एंसल इस कंपनी का, ये देखा गया कि एंसल ये करता था कि सप्लायर्स का घटिया क्वालिटी का मटेरियल पास करवा देता था कंपनी में, जिसके लिए सप्लायर से क्या लेता था वो कमीशन। सही है, मुझे बताया क्या सही कर रहे हैं एक एजेंट ये काम? आप लोग पीछे एक ड्यूटी पढ़कर आते हो जिसको कहा जाता है फिड्यूशरी ड्यूटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ते हो, इसका मतलब होता है ड्यूटी ऑफ फेथफुल सर्विस। तो क्या ये फेथफुल सर्विस है? जिसको एजेंट अपॉइंट करता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल। डायरेक्टर के लिए कंपनी प्रिंसिपल है, ये कंपनी के साथ धोखा हो रहा है, गद्दारी हो रही है। ए क्वालिटी की इनवॉइस सप्लायर की पास की जा रही है, सी क्वालिटी का सामान जो है वो
एडमिट किया जा रहा है और उस पर सप्लायर का एक्स्ट्रा कमीशन अपनी जेब में चुपचाप रखा जा रहा है। जब कंपनी को ये चीज पता चली तो कंपनी ने उस डायरेक्टर से डिमांड किया कंपनसेशन के, जितने भी उसने अब तक सीक्रेट कमीशन कमाए थे वो कंपनी ने डिमांड किए। डायरेक्टर ने जब नहीं दिए तो कंपनी ने उस पर केस कर दिया, रोड पर लेकर आ गई कंपनी उसको। सही है, क्योंकि फिड्यूशरी ड्यूटी ऑनर नहीं कर रहा था ये एजेंट। तो जाहिर है एक लीगल रिलेशनशिप होता है एजेंट का। हम लोग कल कल आपको जब जाएंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनके मार्केट में फंक्शन करेंगे तो हम डीलिंग भी करेंगे, खास तौर पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑडिटर का रोल प्ले कर रहा होगा, और ऑडिटर जो सबसे पहली डील करते हैं वो कंपनी के साथ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर। सही है, या आप इंशाल्लाह कहाँ देखोगे ऑडिट के पेपर, लेकिन हम इसकी डीलिंग साइड देख लें, लीगल साइड देख लें। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने कंपनी से तय की होती है वो आपको पूरी करनी होती है। ज्यादातर ऑडिट फर्म्स पार्टनरशिप्स होती है, और हर पार्टनरशिप में एक पार्टनर की कौन सी हैसियत रखता है, एजेंट की हैसियत। चार पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। आपने एक फर्म का नाम सुना होगा KPMG, इनके मैंने पेट नेम्स रखे हैं कल्लू पप्पू मुन्नू गुड्डू। सही है, तो अब ईच पार्टनर इज कंसीडर्ड एज द एजेंट ऑफ द फर्म। चारों पार्टनर किसी भी कंपनी का ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहे होंगे तो साथ नहीं चल के जाएंगे, इनमें से क्या जाएगा, कोई एक जाएगा। कंपनी को भी तो ये फील नहीं करवा देना कि आप हमारे लिए कितनी जरूरी है। जैसे आप देखें यहाँ पर पूरा का पूरा जो टब्बर है वो अमेरिका चला जाता है, तो पूरा का पूरा टब्बर अमेरिका पहुंच जाता है, मरियम को भी लेके जाया जाता है, मरियम के बच्चों को भी लेके जाया जाता है, उसके बच्चों को भी, उसकी संभालने वालियों को भी लेकर जाते हैं, मेड वगैरह को भी लेकर जाते हैं, ये बताने के लिए कि माई बाप आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो आप कहोगे वो हम मानेंगे, सब आए आपकी मानने के लिए। सही, सो इसी तरह से अगर KPMG में चारों के चारों पार्टनर्स चले गए कंपनी को तो टू मच इज्जत दे दी जाएगी कंपनी को। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या जाएगा, कोई यूजुअली व्हाट हैपेंस, एक पार्टनर जाता है ऑडिट एंगेजमेंट साइन करता है, और वो पार्टनर ऑडिट एंगेजमेंट साइन करता है तो वो कंपनी, अब जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर का ऑडिटर KPMG बहुत अरसे तक रहा है और बहुत दफा ऑन एंड ऑफ आता रहता है ऑडिट करने के लिए, तो अब यूनिलीवर ये नहीं लिखेगा कि हमारा ऑडिटर कल्लू है, वो के का नाम नहीं लिखेंगे, वो किसका नाम लिखेंगे, KPMG, वो फर्म का नाम लिखेंगे। इसका मतलब एक पार्टनर के पास ये पावर है कि वो अपनी पूरी फर्म पार्टनरशिप को क्या कर सकता है, थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर सकता है। सो हम इस तरह के रोल्स की तरफ जा रहे हैं जहां हमें लॉ की अवेयरनेस जो है वो होना जरूरी है। दैट्स व्हाई हमारे कोर्स में चीजें इंक्लूडेड है। पार्टनरशिप की बात छेड़िए तो फिर अगला टॉपिक हमारे पास पार्टनरशिप का है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, कैसे कैसे बनती है पार्टनरशिप। यूके के लिहाज से हम देखेंगे यूके में कितनी पॉसिबल पार्टनरशिप्स है। तीन किस्म की पार्टनरशिप फंक्शन करती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, पार्टनर्स का क्या स्टेटस होता है अपने बिजनेस के लिए, क्या लाइबिलिटीज होती है, क्या अथॉरिटी होती है पार्टनर की, क्या ड्यूटीज होती है अपने बिजनेस की तरफ, ये इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे। तो ये दो काफी छोटे छोटे लॉज हैं, एक एक क्लास में जो है वो कवर होने वाली चीजें, एजेंसी और पार्टनरशिप, और उसके बाद कंपनी से तो मैंने स्टार्ट किया आपको कि कंपनी में हमने क्या क्या चीजें देखनी है। फिर हम जंप करते हैं किसकी तरफ, एम्प्लॉयमेंट लॉ। हम कल कल आपको एम्प्लॉय, तो हो सकता है आप में से काफी लोग अभी बनेंगे, कल कल आपको आप एम्प्लॉयर बन जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, आमीन बोले इंशाल्लाह बोले। सो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करके आगे जाके तो फिर आप एम्प्लॉयर बनोगे, और याद रखें मार्केट में दो मिस्कीन पार्टीज कंसीडर की जाती है, एक कंज्यूमर और दूसरा मिस्कीन एम्प्लॉय। और ज्यादातर ये नजर आता है कंट्रीज में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इस वीक पोजीशन का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। ये वीक पोजीशन है क्या, एम्प्लॉय को पता है कि जॉब एक अनार है और उसके पीछे 100, तो मैंने अगर एम्प्लॉयर की बात नहीं मानी तो इसने मुझे निकाल देना है और मेरी जगह किसी और को रख देना है, क्योंकि लाइन तो बहुत लंबी है कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स। तो वही फिर चीजें हमें जो अपने कंट्रीज में नजर आती है कि भाई 9 बजे जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है, टाइम होना चाहिए 5 बजे या 6 बजे, पहले से सेटल्ड होना चाहिए कि उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय को बिठा रहे हैं तो फिर आप उसको क्या पे करें, ओवर टाइम पे करें। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जिन
कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होता, वहां पर एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते, वायलेट कर रहे होते, उसकी वीकर पोजिशन को एक्सप्लॉइट कर रहे होते. सो बीइंग एन एम्प्लॉय भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे लिए क्या लीगल सपोर्ट्स यू कैन, सही है. और बीइंग एन एम्प्लॉयर भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे क्या ड्यूटीज है राइट्स एम्प्लॉयज की तरफ. तो फॉर एग्जाम्पल दो केसेस बताता हूँ आपको. एक केस में ये हुआ कि एक भाई साहब ने अपने घर में गार्डनर रखा हुआ था, तो वो एम्प्लॉय था उनका. कहते हैं ना यूके में यूरोप में मेड्स रखना, सर्वेंट्स रखना, हाउस सर्वेंट्स रखना मुश्किल है. उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, वो एम्प्लॉय होते हैं, उनका टैक्स कलेक्ट करके पे ही देना पड़ता है, उनका इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है आपको. खैर तो उन्होंने अपने पास एक गार्डनर रखा हुआ था, अंकल को गार्डनिंग का बड़ा शौक था. ऑफिस से जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि गार्डनर दवा डाल रहा है, पौधों में स्प्रे कर रहा है, लेकिन वो काफी कंसंट्रेटेड स्प्रे कर रहा है और उसने डाइल्यूट नहीं किया हुआ जितने कंपोजिशन दवा पे लिखी हुई है. पानी जितना मिलाना था उसने मिलाया नहीं. उन्होंने सिर्फ उसने कहा होता है कि यार ये कंपोजिशन तो कुछ और लिखी हुई, आपने काफी कंसंट्रेटेड मिलाई. वो पीछे मुड़ते और कोई सारी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकाल देते. उन्होंने कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोली जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता आपसे, सही. तो डैश 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 डैश, तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे जितने बाल हैं और ये और वो, सॉरी तुम्हारे जितने बाल नहीं उतना मेरा क्या है एक्सपीरियंस है. कुछ डिस्कशन की बातें उन्होंने की तो उस एम्प्लॉयर ने सीधा उसको बाहर का रास्ता दिखाया कि बोला दरवाजा दफा हो जाए, और फिर एम्प्लॉयर ने उस पर केस किया. तो जैसे आप इसने मुझसे बदतमीजी की है, मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, सही. वो केस जीता एम्प्लॉयर. इसी तरह से एक केस हुआ एक कंपनी में वाली डायरेक्टर ने वीकेंड के बाद वो आया था डायरेक्टर मंडे मॉर्निंग को. तो मंडे मॉर्निंग को डायरेक्टर साहब आते हैं तो उनकी असिस्टेंट पहले से बैठी हुई होती है. तो जब वो देखती है कि डायरेक्टर साहब आ रहे तो उनके पीछे पीछे चली जाती है. डे का जो प्लानर होता है डायरेक्टर का वो भी उठा लेती है और वो रीड करना शुरू कर देती है प्लानर, इससे पहले कि मतलब थोड़ा सा वेट कर ले डायरेक्टर साहब थोड़ा बैठ जाए कोट इधर हैंग कर दे. तो उनके समअप होने से पहले वो जब प्लानर रीड करना शुरू करती है तो थोड़ी देर बाद डायरेक्टर साहब कहते हैं शट अप यू इनटॉलरेबल डैश ऑन अ मंडे मॉर्निंग. पीर की सुबह ही सुबह तुम मतलब तो वो वहीं रोना शुरू करती हो, प्लानर पटकती और वहां से क्या होती है चली जाती है जॉब छोड़कर. तीन दिन कंपनी वेट करती है, जब वो जॉब पर नहीं आती तो कंपनी केस कर देती है एम्प्लॉय पे कि दस साहब ये नोटिस दिए बगैर रिजाइन करके चली गई. जब उसको बुलाया जाता है अदालत में तो वो कहती है ये हुआ था जैसा. अच्छा डायरेक्टर से पूछा जाता है कि ये आपने ये किया, उसने कहा जी जैसा नहीं ये बोला था. जैसा आप कहते हैं ये कोई मुनासिब बात नहीं है जो आपने बोली अपने एम्प्लॉय को. कहते हैं जैसा तो क्या हुआ, कोई सामने थोड़ी था उसमें, कौन सी इनकी इज्जत में कमी आ गई. तो जज कहता है ठीक है मैं इनसे हम सब चले जाते हैं कोर्ट से और मैं इनसे कहता हूँ कि सेम यही अल्फाज ही आपको बोल दें, सही. तो कैसा लगेगा आपको. डायरेक्टर कहता है नहीं जैसा ये नहीं होगा. तो जज कहता है कि आप इम्प्लॉय के सामने 10 इम्प्लॉयज हो या ना हो, इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए पैरामाउंट है और आपने उस बाउंड्री को उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना. इम्प्लॉय की एक ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस जिसका मैंने आपको एक केस बताया गार्डनर वाला. इसी तरह से इम्प्लॉयर की ड्यूटी है ड्यूटी टू मेंटेन म्यूचुअल ट्रस्ट, एम्प्लॉय उस पर ट्रस्ट कर सके कि भाई ये मेरी इज्जत अफजाई नहीं करेगा. इसको वर्बल हैरेसमेंट कहते हैं जो डायरेक्टर ने किया उसको. सो अगर ये लॉ नहीं होता, सही है, तो आप सोचे इम्प्लॉयज के साथ फिर क्या क्या हो रहा है. आज यूके में बड़े संभल के चलते हैं एम्प्लॉय. आज एम्प्लॉय को इतनी पावर दी हुई है कि अगर एम्प्लॉय का राइट कोई एम्प्लॉयर छीनने का सोच रहा है तो वो सोच भी नहीं सकता. वर्किंग टाइम रेगुलेशन है, एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा का काम एम्प्लॉय की मर्जी के बगैर आप एम्प्लॉय से नहीं ले सकते इंक्लूडिंग ओवरटाइम. वो काम करना चाह रहे हैं वो एक अलग बात है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते. 48 घंटे से ज्यादा अगर आप उससे काम ले रहे और जब वो नहीं करना चाह रहा तो आप उसको ये कह रहे हैं कि आपको हम निकाल देंगे किसी और को रख लेंगे. सीधा वो कोर्ट जाएगा और जज आपको बताएगा कि आपने बोला कैसे. अनफेयर डिसमिसल का केस होगा एम्प्लॉय. ये चीज आप अपने अर्लियर कोर्स में देखकर आ रही है अनफेयर डिसमिसल. सो क्लास एम्प्लॉयमेंट लॉ हमने इसलिए पढ़ना है ताकि हम जरा ड्यूटीज ऑफ बोथ द पार्टीज देख सकें और ये रॉन्गफुल डिसमिसल और अनफेयर डिसमिसल जो आपके पुराने कोर्स के कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा और मैग्निफाई कर सकते हैं.
ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, लॉ ऑफ, थोड़ा सा बताए क्या लिखा हुआ, टॉर्ट्स, ठीक है। टॉर्ट एक वर्ड है जो टॉर्शियस एक्ट से गायब हुए, ऐसे एक्ट जिनसे टॉर्चर फेस करना पड़ा, अब वो टॉर्चर फिजिकल नेचर का हो या मेंटल नेचर का हो, तो उस टॉर्चर को, उस रॉन्ग एक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि वेस्ट में ये होता है कि अगर वालदेन अपने बच्चे को के साथ मारपीट कर दे तो वो बच्चा वालदेन पे क्या कर देता है, केस कर देता है, तो वो कोई क्रिमिनल केस नहीं होता बल्कि वो कौन सी हेडिंग के अंदर रजिस्टर होता है, टॉर्ट की हेडिंग के अंदर। इंटेंशनली आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो या आप हॉकी से मार रहे हो उसको या बेसबॉल के बैट से मार रहे हो आप उसको, तो इस केस को कहते हैं बैटरी का केस कहलाते हैं, कौन सा केस कहलाते हैं, बैटरी। और अगर आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, छुरी लेकर आपने जो है वो केक समझ के सही एम्प्लॉय के अंदर रोक दिया आपने, इसको असल्ट का केस कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो स्टेट तो केस करती ही करती है जिसमें वो पनिशमेंट देती है, दूसरी पार्टी को भी चांस दिया जाता है जिसके साथ गलत हुआ होता है कि वो भी केस करके जो है वो कंपनसेशन वगैरह डिमांड कर सकते हैं। वो जो दूसरा केस होता है वो कौन सा होता है क्लास पे, टॉर्ट की हेडिंग पे। टॉर्शियस एक्ट्स की बात करें तो हम बहुत सारे टॉर्शियस एक्ट्स हैं, आप अगर अपने जॉब वगैरह से फिर यहाँ से क्लास व्लास लेकर सुकून से आप घर जा रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप घर पहुंच चुके हैं, आप फ्रेश होते हैं, सही है, बेड पे बैठते हैं, लैंप वैम्प ऑफ करते हैं, उसके बाद आप तसल्ली से पीछे होकर लेटते हैं आराम से, अभी आंख बंद की थी आपने और आप वो फीलिंग एंजॉय कर रहे थे, यस शुक्र है कि आराम मिला, पता चला पीछे किसी की माइयों मेहंदी चल रही, उन्होंने फटाफट ऐलान करना शुरू कर दिया कि मुन्नी के फ्यूचर क्या हुआ और शीला का फ्यूचर क्या हुआ, समझ में बात। अब इसको कहते हैं न्यूसेंस, क्या बोलते हैं सेक्शन को, आपके पड़ोसी अगर इस तरह से कर रहे, मेरे साथ हुआ कि मैं पहले जहां पर रहता था वहां पड़ोसी आए शिफ्ट हुई एक फैमिली, 3 बजे ड्रिल मशीनें चल रही होंगी, सही है, रात के 3 बजे, अच्छा उस वक्त वो अमन कमेटी और ये वो सब चल रहा था, टॉर्चर सेल वगैरह का थोड़ा कराची में था सिलसिला, तो पूरे मोहल्ले वालों को थोड़ी सी तश्वीश हो गई कि भाई अभी नई नई फैमिली आई है, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को मुंह बंद कर आंख बंद कर लेकर आ रहे हो और टॉर्चर कर रहे हो उनको ड्रिल मशीनें लगा के 3-3 बजे 4-4 बजे। तो जब दरियाफ्त किया गया उनसे तो पता चला कि वो सुबह हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता था, जॉब पर होते थे, तो रात को खातून कहती थी कि यहाँ पेंटिंग लगाए सुने, यहाँ पेंटिंग लगाए, तो रात को उनको मौका मिलता था कि वो जो भी पेंटिंग्स वगैरह थी वो लगाते थे दोबारा, और जो पड़ोसी थे वो उनके शर से परेशान हुए। दिस इज व्हाट टॉट, हमने ये सारे टॉट तो कवर नहीं करने, लेकिन हमने एक और चीज देखी है अभी थोड़ी देर से पहले, सिंध के अंदरूनी सिंध में एक वाक्य हुआ, एक बंदा था उसका लेफ्ट लेग में रॉड डाल ली, मेरे ख्याल से ये हुआ होगा यकीनन, जिस वक्त उन्होंने चेकअप किया होगा वो सीधा लेटा हुआ होगा, लेफ्ट और राइट पता चल रहा होगा उसको ठीक से, जब ऑपरेशन करना था तो शायद उल्टे लेटे हुए होंगे, लेफ्ट राइट की जगह पर आ गया, राइट लेफ्ट की जगह पर, राइट लेग में रॉड डाल दी जो बिल्कुल सही सही है, ये हुआ, इसको कहते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, एक डॉक्टर से नेग्लिजेंस। अभी हाल ही में जो है पता नहीं हमारे कंट्री में किसी और कंट्री में एक और वाक्य हुआ, दो खवातीन सेम नाम की थी, दोनों के डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दी, एक के पैर में प्रोसीजर कोई परफॉर्म करना था, एक के स्टमक में कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना था, वो उसे स्वैप कर दिया, तो इसको कहते हैं हम प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। मैं अगर आपको कोई चीज गलत पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर तो मैं इस वक्त अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, और अगर मैं केयरफुली अपना एक एक वर्ड नहीं तोल मोल के बोल रहा, क्योंकि इस पर आपका कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, उस पर आपका पेपर डिपेंड करता है, तो अगर मैं एक एक वर्ड तोल मोल के नहीं बोल रहा तो ये मेरी नेग्लिजेंस कहलाएगी, केयरलेसनेस कहलाएगी, एब्सेंस ऑफ माइंड कहलाएगी, इससे मैंने काम नहीं करना। इसी तरह से कल हम जब ऑडिट के रोल में जाएंगे, हमारी ओपिनियन पे कितने सारी पार्टीज जिनको तुम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़कर आते हो वो रिलाय करेंगे, और अगर हम नेग्लिजेंटली ऑडिट कर रहे हैं, अबे छोड़ यार सही होगा, इन्वेंट्री काउंट करने की जरूरत क्या है, आओ सिगरेट पीते हैं थोड़ी देर के लिए, सही है, अगर इस तरह की हरकतें करेंगे हम जाके ऑडिट करते हुए तो उसका रिजल्ट ये पड़ सकता है कि चीजें जो सामने आनी थी वो सामने नहीं आएंगी, बाद में जब वो सामने आएंगी तो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, लॉस होगा,
और उस लॉस के लिए कुछ ना कुछ हद तक फिर एज एन ऑडिटर हम भी क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे और हम पे केस भी हो सकता है। और एक बड़ी फर्म पे केस हुआ भी, आपने बिग फोर सुना हुआ होगा फर्म्स, ये बिग फाइव थी 2007 तक। इनमें एक बहुत बड़ी फर्म थी जो इनकी भी टॉप ऑफ द नॉच फर्म थी, अमेरिकन फर्म थी, आर्थर एंड एंडरसन AA नाम था। सो आर्थर एंड एंडरसन ने एक यूएस एनर्जी कंपनी का ऑडिट बड़े नेग्लिजेंट स्टाइल में किया था, सही ओपिनियन देनी चाहिए थी उनको कि दाल में काला है, लेकिन उन्होंने कभी ये ओपिनियन नहीं दी। जब वो कंपनी बैंकरप्ट हुई और चीजों के बारे में पता चला कि ये चीजें तो साफ थी, ऑडिटर को पता चलना चाहिए था, और ऑडिटर ने कैसे क्लीन चिट दे दी कंपनी को, तो ऑडिट फर्म भी जो है वो फिर उसकी जद में आई, इन्वेस्टिगेशन में उसको भी बुलाया गया और उस फर्म का लाइसेंस क्या किया गया, कैंसिल किया गया। एक जमाने में उनके पता नहीं कितने सारे क्लाइंट्स थे उस फर्म के, उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। अच्छा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो जितने और लोगों के साथ उन्होंने ये बुरा किया होगा उनको केस करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसको दोबारा बुला के उसका लाइसेंस बहाल किया। अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती जब तक तमाम पार्टीज उस पर केस करके तसल्ली में नहीं आ जाएंगी, जब तक वो फॉर्म खुली रहेगी, इबरत का निशान बन जाएगी। यानी उसको अभी तक दफनाया नहीं है, खड़ा करके पोल से बांध दिया कि जो जो आए चाहे पत्थर मारे इसको अच्छी तरह से, जब सबकी भड़ास क्या होगी निकल जाएगी तो फिर इसको कब्र में दफनाएंगे। ये उस फॉर्म के साथ हुआ। तो बिग फाइव से क्या हो गई फिर बिग फोर हो गई। So, इतने बड़े बड़े मैटर्स हो सकते हैं अगर हम डिलिजेंटली काम नहीं करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने FBT के लेवल पर जो है वो इथिक्स का चैप्टर पढ़ते हुए कोड ऑफ इथिक्स देखा होता है, जिसमें तीसरा जो कोड ऑफ इथिक्स है वो क्या रिक्वायर करता है हमसे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। उस केयर की बात हम यहाँ पर आके करेंगे, केयरफुली काम करना। उसके बाद फिर आखिरी टॉपिक हमारा होगा क्लास इंग्लिश लीगल सिस्टम। सो क्योंकि हम यूके लॉ देखते हैं, सो इंग्लिश लीगल सिस्टम में जरा यूके की लीगल हिस्ट्री हमें पढ़ने को मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हम लीगल हिस्ट्री देखेंगे कि लॉ कैसे बना, शेप कैसे हुआ यूके में। यूनाइटेड किंगडम को लॉ मेकिंग में पायनियर का दर्जा दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हमारा तो जाहिर है अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हमारी शरिया जो है बहुत पुरानी है, लेकिन जो दुनियावी लॉ है उसको उसकी शेप किसने दी है बेस्ट, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद उस शेप को, उस शक्ल को, पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को, ज्यूडिशरी के स्ट्रक्चर को बहुत सारे और कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को तो जहेज में मिल गया था ये। हमारे यहाँ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है पाकिस्तान का वो 1872 का चल रहा है, और हम कब वजूद में आए पाकिस्तान, 1947 में। एक्ट कब का चल रहा है हमारा, दोनों का बनाया हुआ है वो बेसिकली। उन्होंने अपडेट कर लिया, हमने अभी तक अपडेट नहीं किया उसको। हम पहले जरा ये देख लें कि कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो ये तो इस बचकाना ये म्यूजिकल चेयर के गेम से ही बाहर नहीं निकला जाता है मसला ये। ठीक है जी, इंग्लिश लीगल सिस्टम में हम यूके लॉ की हिस्ट्री देखेंगे, यूके में फंक्शन करने वाले क्रिमिनल कोर्ट्स देखेंगे, सिविल कोर्ट्स देखेंगे, फिर इसी तरह से उन कोर्ट्स का फंक्शन, उन कोर्ट्स के स्टाफ को हम पढ़ेंगे, याद रखने वाली बातें जरा ज्यादा होंगी। हाई कोर्ट को देखेंगे, उसमें डिवीजन है, किस डिवीजन में कितने जजेस होते हैं, कोर्ट ऑफ अपील है उसमें कितने जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जजेस होते हैं। ये जो आप सुनते हैं कभी कोई एक जज केस डील कर रहा है, कभी पांच लोगों की, तीन जजेस की बेंच बैठ के फैसला कर रही है, तो उसमें टोटल कितने जजेस होते हैं जिनमें से सिलेक्ट करते हैं हम बेंच में लाने के लिए उसको। तो ये सब चीजें हम इंशाल्लाह इंग्लिश लीगल सिस्टम में देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एक बिल पास होकर एक्ट की शक्ल कैसे इख्तियार करें, सही है। फिर हम ये देखेंगे कि वो जो एक्ट्स बने हुए होते हैं, हम अपने पूरे जर्नी में कंपनी एक्ट पढ़ेंगे या पार्टनरशिप के एक्ट पढ़ेंगे हम, सही। इसी तरह से हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्ट पढ़ेंगे, एम्प्लॉय राइट्स एक्ट पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी एक्ट पढ़ेंगे, सही। इन्हीं से लॉ बना हुआ है। इनमें जो राइट्स पार्टीज को दिए जाते हैं वो जाके क्लेम कहां करती है पार्टीज, पार्लियामेंट के सामने या कोर्ट्स के सामने, कोर्ट्स के सामने जाके क्लेम करते हैं। तो एक्ट्स में जो जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उनकी बेसिस पे कोर्ट को क्या करना होता है, फैसला करना होता है।
तो उन स्टेटमेंट्स में अगर एम्बिगुअस वर्ड्स हो जिनकी मीनिंग क्लियर ना हो रही हो, या वो वर्ड्स ऐसे हो कि उनकी एक से ज्यादा मीनिंग हो, जैसे क्लोज एक वर्ड, दो अलग अलग किस्म की मीनिंग है, एक करीब और दूसरा बंद, ऐसे वर्ड अगर बीच में आ जाए तो जज उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो, क्योंकि किसी की जिंदगी मौत का सवाल होता है आगे। तो वो रूल्स टू इंटरप्रिटेशन भी हमने देखने कि जजेस कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और फिर एक एक्ट भी देखता है हमने इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ते हुए, ह्यूमन राइट्स एक्ट, कि यूरोप में पूरे किस तरीके से ह्यूमन राइट्स, कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स आम सिविलियंस को दिए गए, राइट टू फ्री ट्रायल, हर किसी का जो है वो कई गरीब हो अमीर हो केस लॉ के हिसाब से डील किया जाएगा, राइट टू प्री इलेक्शन, आप अपनी मर्जी से वोट दे भी सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती वोट देने पर मजबूर नहीं कर सकता, और आप इलेक्शन में फ्री भी खड़े भी हो सकते हैं। जिस वक्त वोटिंग हो रही है तो आपको उस वक्त जो है वो ये जो होता है सब कुछ हमारे यहाँ माशाल्लाह जो चल भी रहा है, जो चलता ही रहता है, जो चलता आया है और चलता रहेगा, सही। तो ये सब चीजें जो है वो ऑब्वियसली वहां किस तरह से रोकी गई है, ये चीज हमने देखने को मिली। पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आई है थोड़ी बहुत बातें कि हमने क्या देखना है? ठीक है जी, तो मुख्तसर सा कोर्स है ये हमारा, ढाई तीन महीने में खत्म हो जाता है। और क्या कहते हैं, एक काम की बात हमने करनी है, क्लास हमारा ये कोर्स काफी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, इवन पाकिस्तानी वेरिएंट में भी अवेलेबल है, यानी अगर हम ACCA का लॉ का पेपर देना चाहते हैं तो हम पाकिस्तानी लॉ पढ़ के भी दे सकते हैं, हांगकांग का लॉ पढ़ के भी दे सकते हैं, सिंगापुर का, श्रीलंका का भी लॉ पढ़ के दे सकते हैं, यूके का भी लॉ पढ़ के दे सकते हैं, और एक और ग्लोबल लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया हुआ है वो भी पढ़ के दे सकते हैं, सही। अब इसमें से पढ़ना बेहतर कैसा रहता है ACCA के स्टूडेंट्स के लिए, आपको किसी भी कंट्री में फंक्शन करना है, पाकिस्तान में फंक्शन करना है, आगे जाके किसी और कंट्री में एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फंक्शन करना है, अगर आपने इंग्लिश लॉ देखा हुआ हो, यूके लॉ देखा हुआ होगा, तो आप आराम से एडजस्ट हो जाएंगे उसके लीगल सिस्टम में, क्योंकि मैंने आपको बताया तकरीबन तमाम कंट्रीज ने, इवन US ने खुद UK का लॉ क्या किया हुआ है, एडॉप्ट किया है बहुत सारे मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो आप समझ ले पूरी दुनिया में बनाए बना के किसने दिया, UK ने दिया। तो इसलिए हम क्या कवर करते हैं अपनी इम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, हम कौन सा वेरिएंट कवर करते हैं, हम कवर करते हैं कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो जिस वक्त आप पेपर सिलेक्ट कर रहे हो, जिस वक्त आप पेपर दे रहे होते हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म करनी होती है, ACCA का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो नाम है वो आपको कंफर्म करना होता है। तो वहां पर वेरिएंट का भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, उसमें आपको करेक्ट वेरिएंट सेलेक्ट करना होता है। पेपर देते हुए अगर करेक्ट वेरिएंट सेलेक्ट नहीं करोगे तो पेपर क्या हो जाएगा फिर, जाहिर है अगर तुमने ग्लोबल सेलेक्ट कर लिया या हांगकांग का सेलेक्ट कर लिया, पढ़ कौन सा रहे हो तुम इंग्लिश, तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, ये सवाल किस क्वेश्चन क्या आ रहा है। सो बहुत जरूरी है कि हम कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करें, अलर्ट होके इंग्लिश वेरिएंट, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी का, तकरीबन अगस्त सितंबर के मिड तक आप अंदाजा लगा लो, आप में से कोई पार्ट टू के पेपर्स और कोई दे रहा है पेपर F7 या F6 वगैरह, आप कौन सा दे रही है पेपर, F7 दे रही है आप, F7 दे रही है आप, और कोई इसके अलावा, ठीक है जी। तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह रखकर कोशिश करेंगे कि इसको हम पहले कवर करें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, काफी लोग ये करते हैं कि पेपर तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो सेशन बेस्ड पेपर हो रहा होता है उनका, जैसे F7 या F6, उसको फोकस करते हैं वो, और उसको उसका पेपर देते ही मेरी क्लासेस आके लेते रहते हैं, फोकस किस पर होता है उनका, घर पे F7 या F6 जो भी पेपर आप दे रहे हैं उसको कवर करते ही फिर रिवीजन चलता है उनका 10-15 दिन में F4 का, और उसके बाद F4 का पेपर उसी मंथ, सेप्टेम्बर है सेप्टेम्बर, दिसंबर है दिसंबर, जून है जून, उसी मंथ वो आखिरी डेट्स में जो है वो पेपर भी F4 का देंगे, और फिर नेक्स्ट मंथ से उनका जो है वो न्यू अटेम्प्ट के लिए सिलसिला स्टार्ट होता है। तो आप भी ऐसे ही टारगेट करो, सही, कि आपने जो है वो खत्म होते ही अपना ये पेपर जो है वो दे। जो लोग लटका लेते हैं ये पेपर
वो फिर मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बहुत बाद बाद में भी जो है वो दोबारा आ रहे होते हैं रिवीजन के लिए या क्रैश कोर्स के लिए। तो आपने पढ़ते ही उसके बाद क्या करना है, पेपर देकर जान छुड़ानी है, और इससे जान छुड़ाना बहुत आसान है। ये कोई अब डिफिकल्ट पेपर नहीं रहा है, थोड़ा सा एफर्ट के साथ आराम से ये पेपर निकल जाए। तो आए जरा पेपर फॉर्मेट देखते, ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जैसे आप अभी तक F1, F2, F3 देते हुए आए हो कि आपने एक डेट ले ली और उस पर जाके पेपर दे दिया, बिल्कुल वैसे ही है इसका भी सिलसिला। सो ये एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हमें टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटे का, और ये पूरा पेपर थ्योरेटिकल, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ये 1 घंटे के अंदर हो जाने वाला पेपर है, सही है। फिर इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने, 50, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100, जिसमें से 50% पर हीरो, 49 पर जीरो, सही है। और क्या कहते हैं, क्वेश्चंस का कुछ इस तरह का ब्रेकअप है, 25 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, जो F1 की तरह से ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ रहे होते हैं। लिखने के लिए कुछ नहीं आता, कोई डेफिनेशन इनपुट नहीं करनी है, कोई लीगल टर्म इनपुट नहीं करनी होगी आपने, कोई लंबी चौड़ी कोई दास्तानें आपने नहीं लिखनी होंगी, आपने सिर्फ क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा सही आंसर। पुराना जो पेपर फॉर्मेट था उसमें क्या किया जाता था, लिखवाया जाता था, तो आपकी किट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसका क्वेश्चन इस तरह से होगा, आगे क्वेश्चन मार्क होगा और कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, यानी आपको ये लग रहा होगा कि इसके लिए आंसर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, पेपर में नहीं लिखना पड़ेगा, सही है। 5 आखिर के क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि एक सिनेरियो दिया हुआ होता है उसमें, और उससे 2-2 मार्क्स की 3 रिक्वायरमेंट्स ड्राइव हो रही होती है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाता है, फिर 6 मार्क का हो जाता है। इन 5 आखिर के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, MTQs, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन। तो लगभग इसका पेपर फॉर्मेट बिल्कुल FPT के जैसा है, नेचर भी वही है, थ्योरेटिकल डिस्कशन है सारा का सारा। बुक्स जरा देख लेते हैं कौन कौन सी लेनी होंगी आपको, मेरे नोट्स ले लें आप। अच्छा, किसको पेपर क्लियर कर लें, 60s में या 70s में या 80s में, क्लियर तो जाहिर है सबने ही करना है, बिल्कुल सही बात है, उस पे परेशान ना हो। किसको 60s, 70s और 80s में क्लियर करना है, वो बातें होगी ठीक है ना, हाथ उठाओ सही अपने तक रखो। किसी को अगर 90s या 100 में क्लियर करना, तो वो बीपीपी की नहीं, सॉरी, क्योंकि वो वबाले जान बन जाती है, कैप्लान की बुक ले लो। और किसी को 60s में, 70s में या 80s में क्लियर करना, तो वो क्या ले लें सर, मेरे नोट्स ले लें। F1 में मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं नोट्स के साथ बुक का भी कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, यहाँ मैं बुक रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि नोट्स पढ़ के ही आपका पेपर अच्छे मार्क्स में निकलता है, सही है। एक स्टूडेंट मैक्सिमम मेरा एक क्रैश कोर्स लेकर मेरे नोट्स से 3 दिन के अंदर पढ़कर 89 मार्क्स भी लेकर आया इस पेपर, सही है। सो इससे भी ज्यादा चाहिए तो ठीक है, कैप्लान की बुक उठा लो, वरना मेरे नोट्स तमाम मेजर टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और इनफ, ठीक है। सो नोट्स ले ले मेरे, दो नीचे वाले रूम से मिल जाएंगे आपको, और एग्जाम किट आपने दोनों ले रही होंगी, बीपीपी और कैप्लान। जैसे ही हम एक लॉ कवर करते जाएंगे पूरा टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ खत्म कर लिया, आप उसकी बीपीपी और कैप्लान की किट जो है वो खत्म कर लो, और जो भी मसले होंगे वो मेरे पास लेकर आ जाओ, सही है। साथ साथ इस चीज को लेके चलते रहेंगे, जिन लोगों ने पेपर नहीं देना कोई और, वो साथ साथ कम से कम इसको लेकर चलते रहेंगे, तो उनको कोई खास बैठकर मजीद रिवाइज नहीं करना होगा। और जिन लोगों को F7 या F6 वगैरह देना होता है, उनको इस तरह से मैनेज कर लेना चाहिए कि वो घर पर उन चीज़ों को फोकस करें जो आपको सेशन बेस्ड सीवी देनी है, क्योंकि इसका तो पेपर की डेट आपके हाथ में, बस क्लासेस ना बंक करें, क्लासेस लेते रहें, और जब उस पेपर से फारिग हो जाए तो फिर किट विट सॉल्व कर करा के फिर आप पेपर दें। अच्छा जी, मुझे बता दें पेपर फॉर्मेट के हवाले से या कोर्स स्ट्रक्चर के हवाले से किसी में कुछ पूछना हो तो। पासिंग रेशियो इसका 80s में है, 84, 85 इस तरह से।
बहुत ही ज्यादा हल्का भी लेने वाला पेपर नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ, मैं कहता रहूंगा बार बार आसान पेपर है आसान पेपर, आपने कहा चलो आसान है बस, सही, यहाँ क्लासेस खत्म हुई विदाउट एनी घर का एफर्ट, आपने जाके पेपर अटेंड कर दिया, तब भी निकल सकता है, सही है, तब भी निकल सकता है इस तरह का पेपर, लेकिन इतना रिस्क लेने की हमें जरूरत, क्योंकि हमें पता है पेपर कितने महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा आज जरा लिटिल लाइट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे क्लास, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। तो मैं पहले जो है वो कोशिश करके आप लोगों को मेजर टॉपिक्स कवर करवा दूंगा कोर्स के, ठीक है, ताकि आपका उस दूसरे जो भी आप कोर्स दे रहे हो उस पर भी फोकस करना आपका आसान हो जाए, आखिर में जो छोटे मोटे टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सुना हुआ नाम आप लोगों ने, कोई चीज होती है जरा कोई मुझे बता दे कि अब तक क्या पता है उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो आपसे कोई पूछे कि आप कौन है तो क्या बोलोगे आप, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को याद होगा मैं अक्सर की जैसी तरह से समझाता हूँ, कोई आपसे पूछे आप कौन है, इतना क्यों सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे आप, इंसान है आप, इसमें सोचने की बात नहीं है दादा, सही है। इसी तरह से आपसे कोई पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो पहला वर्ड आपने क्या बोलना है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किसको कहते हैं, कॉन्ग्यूरेंस ऑफ कॉन्सेंट्स को, रजामंदियां जब एक पॉइंट पर आके क्या कर जाए, मीट कर जाए, तो उसको हम कहते हैं पार्टीज आर इन एग्रीमेंट, और अगर रजामंद ना हो रही हो किसी पॉइंट पर या कुछ पॉइंट्स पर तो हम बोलते हैं दे आर इन आर्ग्यूमेंट, सही है। तो एग्रीमेंट सबसे पहले तो क्या है, एग्रीमेंट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या है, एग्रीमेंट, अब उसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि कैसा एग्रीमेंट, भाई देखें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो जज उसी में मदद करेगा पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा एग्रीमेंट उसमें जज भी मदद, फॉर एग्जांपल अगर एक खातून केस करते हैं अपने हस्बैंड, हमारे लॉ में काफी ऐसे भी केसेस हैं जिसमें खातून ने हस्बैंड पे केस किया, तीन केसेस ऐसे हैं उसमें हस्बैंड भी कम नहीं है किसी, ठीक है, तो एक खातून ने हस्बैंड पे केस किया, जज ने कहा जी क्या हुआ, कह रही है कि ये कह रहे थे शादी से पहले कि मुझसे शादी कर लो मैं चांद से तारे तोड़ कर लाऊं, नहीं तो जज साहब मतलब अभी तक तो कोई चांद से तारे नहीं, मसला ये है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत इख्तियार नहीं है, ज्यादातर ऐसा बोला जाता है, क्या कह रहा हूँ मैं, यूजुअली ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के दरमियान फ्रेंड्स के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता, कभी कभार दिया भी जाता है, हमने भी कवर करना है कि कब दिया जाता है, जाहिर सारा कुछ पहली क्लास में नहीं देख सकते हम। अच्छा फिर एक तो ये चीज है, दूसरी चीज एग्रीमेंट में वही चीज आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं जो करने वाला एक्ट हो, जो किया जा सके, जो एक्ट किया नहीं जा सके, जो गालिब की नज्मों में हमें गजलों में नजर आए हमें, सही है, जो क्या कहते हैं मुसन्निफों की इतनी सारी वो लिटरेचर वगैरह लिख देते हैं उसमें हमें नजर आए, अफसानों में नजर आए, सही, चांद से तारे तोड़ कर लाओगे, सही, ये प्रैक्टिकली करने वाले एक्ट, एक बंदा आके कह रहे 90 दिन का हमारा प्लान है पाकिस्तान बदल देंगे हम, इंशाल्लाह बदल गया पाकिस्तान बदलेंगे, सो पॉसिबल एक्ट ही एग्रीमेंट में रखा जा सकता, और जो पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता तो कोर्ट उसमें कोई मदद भी पार्टीज की नहीं बनती, ऐसे केसेस पहली हियरिंग में क्या हो जाते हैं, डिसमिस हो जाते, उन पे केस ही नहीं चलता, जब पार्टीज केस कर रही होती हैं तो वकील के लिए जो पहला माइलस्टोन होता है, पहली अचीवमेंट होती है वो यही होती है कि वो केस को क्या कर दे अदालत को, रजिस्टर करवा दे, कि जब से आप रजिस्टर कर लें और फिर नेक्स्ट हियरिंग की क्या दे दें, अगर पहली हियरिंग में जज डिसमिस कर रहे हैं तो उस वकील का सबसे बड़ा फेलियर है। सो अगर ये खातून अपना केस करेंगी तो इनका क्लेम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा,
यूके में केस हुआ, एक बच्चे ने अपने अब्बा पे केस कर दिया। क्यों? अब्बा ने कहा था कि तुम अच्छे ग्रेड्स में पास हो जाओ हाई स्कूल से तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूँ। वो अच्छे ग्रेड से पास हुआ, अब्बा ने पॉकेट मनी नहीं बढ़ाई, उन्होंने अब्बा पे केस कर दिया। ये भी क्लेम क्या हो गया? फेल हो गया कुछ ग्राउंड्स पर, जो हम देखेंगे आगे जाके। इसको भी जज ने कहा कि एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि इसमें लीगल बाइंडिंगनेस नहीं है। तो क्वालिटी भी बताइए लॉ ने एग्रीमेंट, कैसी क्वालिटी का एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें क्या हो? लीगल बाइंडिंगनेस। इन दो चीजों के साथ मिलके फिर क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये सब मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, यही नोट्स आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हुए। आइए थोड़ा सा जंप करके देखते हैं कि लीगल बाइंडिंगनेस आ कैसे सकती है। एग्रीमेंट के साथ, ये तो हमने देखी एग्रीमेंट का होना जरूरी है पार्टी के दरमियान। अगर पार्टी एग्री ही नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट, पहली चीज ही क्या है? एग्रीमेंट। जैसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले तौहीद पर बिलीव होना जरूरी है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज एग्रीमेंट जरूरी है। दूसरी एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं क्या? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज द गिव एंड टेक, द लेन देन पार्टीज डिसाइड व्हाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग इन रिटर्न जो वो तय करती है। जैसे आप अगर यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन कराते हो F4 के लिए, तो TSA की तरफ से आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन, एजुकेशनल सर्विस। और आपकी तरफ से TSA के लिए क्या है? कंसिडरेशन। ठीक, बाहर हम जाके बाइंग कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे आइटम घर के लिए अपने लिए खरीद रहे होते हैं, सब में देख लो क्या एग्जिस्ट कर रही होती है? कंसिडरेशन एग्जिस्ट कर रही होती है। एग्रीमेंट के साथ अगर कंसिडरेशन हो, और एक और तीसरी चीज नीडेड है जिसको हम कहते हैं क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। नियत होनी चाहिए पार्टीज की कि वो एक ऐसा रिलेशन बना रही है जिसमें कल कला को अगर कोई मसला हुआ तो वो लॉ से क्या ले सके? मदद ले सके। जैसे वाइफ ने हस्बैंड से एक एग्रीमेंट किया, हस्बैंड साहब उनका दूसरा मामला हो चुका था, सही है, तो वो दोनों ने जो है वो घर गिरवी रखा हुआ था बच्चों के एजुकेशन के लिए, और दोनों मियाँ बीवी मिलके कमा कर उतनी पैसों में से कुछ मॉर्गेज पे ऑफ करते थे घर का, ताकि घर जो है वो क्या हो जाए? लोन से, लोन के बर्डन से निकल जाए। तो वो हस्बैंड साहब जो है वो कहीं और जो है बिजी हो गए, तो थोड़े अरसे बाद जब वो घर आए तो वाइफ ने उनसे कहा कि भाई जहाँ रहना है तुम्हें रहो, तुम बस ये इंश्योर करो कि जब ये मॉर्गेज की पेमेंट्स पूरी पे ऑफ हो जाएंगी तो तुम ये घर पूरा मेरे नाम कर दो। दोनों के ज्वाइंट टेम्स में था वो घर, पहले तो चांद सितारे वाले डेज होंगे, तो उस पर ज्वाइंट टेम्स में खरीद दिया होगा, ठीक है। अब जो है वो दूसरे वाले दिन आ गए, हस्बैंड ने कहा ठीक है जब मॉर्गेज पेमेंट्स उतर जाएंगी तो मैं घर आपके नाम पे कर दूंगा। वाइफ बड़ी अच्छी तरह जानती थी अपने हस्बैंड को, उसने निकाला एक पेपर, उस पर ये सारी बातें लिखी, अपने साइन की, और हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड से कहा उसने साइन करवा। वो साइन जब उसने कर दिए तो वो वाइफ ने पेपर संभाल के अपने पास से, सही। अब जब सारी मॉर्गेज की पेमेंट्स पे ऑफ हुई, घर फ्री हुआ मॉर्गेज से, बैंक के बर्डन से, उसके बाद फिर हस्बैंड ने यूटर्न ले लिया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर रहा आपके नाम पर। वाइफ ने फिर केस कर दिया। नॉर्मली फैमिली मेंबर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें इंटेंशन क्या नजर आती है जजेस को? मिसिंग नजर आती, इंटेंशन नहीं, क्योंकि ज्यादातर फैमिली मेंबर्स बहुत सारी डीलिंग करते हैं और किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता कि कल उनके साथ कोई बैकआउट करेगा फैमिली मेंबर, और उस पर वो क्या डिसीजन लेंगे? केस करने का डिसीजन। इसलिए जज कहते हैं यूजुअली फैमिली मेंबर्स के दरमियान, फ्रेंड्स के दरमियान जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ हो जाए कि फैमिली मेंबर्स बात करते हुए, सेटल करते हुए, फ्रेंड्स बात सेटल करते हुए क्या कर लें? कुछ लिख लें, साइन करें नहीं करें, क्या कर ले वो? लिख ले। तो जज कहता है कि फिर सफिशिएंट इंटेंशन नजर आता, तो ये केस डिसमिस नहीं हुआ, बल्कि जज ने इस केस को क्या किया? फिर डिसाइड किया वाइफ के हाथ में। अभी तो मैं ऐसी बता रहा हूँ, बाकायदा केस के नाम भी देखेंगे आगे और उस वक्त हम दोबारा इन चीजों को रिलेट करेंगे। सो क्लास, एग्रीमेंट के साथ लीगल बाइंडिंगनेस कैसे आती है? इन दो फैक्टर्स से आती है। एक कौन सा है? कंसिडरेशन। दूसरा कौन सा है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एग्रीमेंट में जब लीगल बाइंडिंगनेस आ जाती है तो फिर वो फाइनली क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये जो तीन फैक्टर्स हमने पढ़े हैं,
एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए. इनको पिलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछे एसेंशियल फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट के कितने, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, तीन: एग्रीमेंट, कंसिडरेशन और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. अब ये ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह क्या लिखा हुआ है, जब थोड़े से बड़े होंगे तो उसको पढ़ लेंगे हम. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियर होती है सबको? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है हमारे सामने. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने, कुछ हमारे कोर्स में, कुछ हमारे साथ शेयर की गई है, उनको देखते हैं हम. देखो सबसे पहली टाइप क्या लिखी हुई नजर आ रही है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा है कि भाई एक पार्टी काफी सारी पार्टीज के साथ डील करती है लेकिन सिमिलर टर्म्स पे डील करती है. आप देखें, आप लेट से जीमेल अकाउंट बना रहे, साइन अप कर रहे हैं उस पे, उसमें एक आता है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस कंटिन्यू. पढ़े बगैर हम क्या करते हैं, उसको चेक लगा देते हैं. सो क्लास, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को तुम खोल लो पढ़ने के लिए, तो हर बंदा जो दुनिया में जीमेल का अकाउंट बना रहा है ना, सबके लिए वो क्या है, सेम टर्म्स. तुम सब लोगों ने टीएसए का एडमिशन फॉर्म साइन किया होगा, उस पर जो पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है वो क्या है सबके लिए, मेरे ख्याल से 6-7 टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई जिसके नीचे फिर आप लोग साइन करते हैं. उसमें भी मेरे ख्याल से पढ़े बगैर ही करते हैं आप, सही है? तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है फिर, सबके साथ सेम है. तो एक पार्टी अगर सिमिलर टर्म्स पर बहुत सारी पार्टीज के साथ डील कर रही है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. सबके साथ टर्म्स स्टैंडर्ड. नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई अब सेलर और बायर ऑफ द प्रॉपर्टी जो होते हैं वो अपनी टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है? सेम टर्म्स फॉर ऑल पार्टीज. मुझे बताओ, बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या नहीं बोले? बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो, वो भी एक सेट ऑफ टर्म्स सबके लिए क्या होता है, कॉमन होगा. तो बाकायदा निके नामे की तरह से आपसे साइन करवाते हैं, यहाँ साइन करेंगे फिर यहाँ साइन करेंगे फिर यहाँ साइन करेंगे, एक बंच ऑफ टर्म्स उन्होंने लिखा हुआ होता है सबके लिए क्या होता है, फिर वो सेम है, ठीक है जी. ACCA का जो आपका अकाउंट बना हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है? उसमें भी ACCA ने आपके साथ कोई अलग टर्म्स, जो सबके साथ टर्म्स एंड कंडीशन रखती है रजिस्ट्रेशन कराते हुए, वो आपके साथ रखी है उसमें. उसके बाद अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो शुरू शुरू में स्टूडेंट्स को ये बड़ा मसला होता है, उनको लगता है कॉन्ट्रैक्ट ओरल ही नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कैसे हो सकता है. देखिए, हमेशा हर जगह यही एडवाइजेबल रहा है कि आप लिख कर करो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं रहा, क्या रहा है, एडवाइजेबल रहा. हमारे दीन ने जो है वो हमें ये एडवाइस किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसमें आप एडवाइस कर रहे हैं कि तिजारत के मामला लिख लिए जाए तो बेहतर, जरूरी नहीं बोला, क्या बोला, बेहतर. पाकिस्तानी लॉ में भी यही है, यूके लॉ में भी यही, लिख लो तो बेहतर, नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने. अब जब मैं ये बताता हूँ तो स्टूडेंट्स के ध्यान में आता है, सर प्रूफ कैसे करेंगे उसको? प्रूफ करने के लिए आपके पास वकील होना चाहिए, इस तरह का वकील होना चाहिए तो जो जज के सामने इस तरह के पॉइंट्स पार्टीज से उगलवा सके और जज को बोल सके, जज साहब देखिए क्या बोल रहा है, पॉइंट टू नोट. उस पार्टी को पता भी नहीं हो कि वो क्या बोल गई और जज को पता चलेगा कि हाँ, इनके दरमियान ऐसी कोई सेटलमेंट हुई होगी. बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रूफ करना ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या हो जाता है, मुश्किल हो रहा है. लेकिन एक और बात याद रखो, जिसने प्रूफ कर दिया झूठ को सच, उसका गेम है. जो बेचारा सच्चा होके भी सच प्रूफ नहीं कर पाया, उसका गेम नहीं. क्यों? क्योंकि वो जो जज साहब के आगे बैलेंस रखा हुआ होता है, गांठी वगैरह खड़ी भी होती है, उनकी आंखों पर क्या बंधी हुई होती है, पट्टी बंधी हुई. कानून क्या है, अंधा है. क्या मतलब, उसकी अपनी आंखें नहीं है. गवाह और सबूतों को सुनकर वो क्या करता है, फैसला है. So there is a type known as what, oral contract, and this is the contract जो किस तरह से होता है, by spoken word. हम घर के लिए सामान लाते हैं रोजाना दुकान वगैरह से, ठीक है, हम सिर्फ एक छोटी सी बात कर लेते हैं, नाश्ते का सामान ले रहे हैं किसी दूध की दुकान से, हमने दूध लिया, अंडे लिए, ब्रेड लिया. अब अगर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट होना होता तो वो तो हमें एक एफिडेविट देता था,
ये पढ़ लें इसको आप अच्छी तरह से, विटनेस भी ले आए साथ में, अंगूठा भी लगा रहे हैं हम, स्टैम्प पैड पे साइन भी कर रहे हैं। दूध दही अंडे वगैरह लेने के लिए हमें ये करना पड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। हम बोल कर भी अगर उससे डील कर रहे हैं, उसके बाद वो सामान लेकर आ रहे हैं हम, और वो ब्रेड है या वो दूध है खराब निकल रहा है, तो हम उसको वापस करवाने जा रहे थे कि वो लायबल है वापस लेने के लिए, क्योंकि क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आओ देखते हैं, एसेंशियल्स पर पूरा उतारते हैं। एग्रीमेंट था दोनों के दरमियान, 1 kg दूध दे दो, उसने कहा ठीक है दे दो, दूध दे दिया उसने 1 kg। कंसिडरेशन है, हाँ वो दूध दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं उसको, पैसे दे रहे हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, मार्केट पार्टीज है, कमर्शियल पार्टीज है, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स नहीं है कि भाई सामने वाले हैं घर में रहते हैं, चाय बनानी है आपको, दूध कम पड़ गया, उनसे जाके आपने दूध दे लिया। बहुत ही कोई बड़े होंगे वो नेबर जो दूध के पैसे मांग रहे हो आपसे, फिर सही है, या चीनी आप ले रहे हो तो उनसे वो पैसे मांग रहे हो, सही है। यहाँ अगर आप ऐसे करो तो दूध वाले की दुकान पर जाके कह रहे हो आपके नेबर हो, बिल्डिंग में ऊपर ही रहता हूँ, तो पैसे दूध दे रहे, वो तो बाकायदा क्या करने बैठा है वहां पर, बिजनेस करने बैठा। घोड़े ने घास से दोस्ती नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है उसको खाना है, तो घोड़ा इज द दूध वाला, वी आर द घास, सही है। तो उसने हमारा हमारी खाल उतार दी है, सही। सो वो कमर्शियल पार्टी है, हमने जो देखा इंटेंशन नहीं होती, वो यूजली किसमें नहीं होती, फैमिली और फ्रेंड्स, कमर्शियल पार्टी इसमें तो इंटेंशन होती है। तो ये तीन चीजों पर आपने पूरा उतारा, वो कॉन्ट्रैक्ट जज को नजर आ जाना, और फिर जज में वो फैसला। फिर देखो क्या लिखा हुआ है नंबर नेक्स्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि हमें पता है आपका और टीएसए का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप एक एडमिशन फॉर्म फिल करोगे, उसमें कुछ रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कुछ आपकी तरफ से लिखा गया होगा कि आपने मॉर्निंग में लेना है या आपने इवनिंग में एडमिशन लेना है, कुछ टर्म्स टीएसए की होंगी, ज्यादा टर्म्स टीएसए की होंगी। सो दीज आर द एग्रीमेंट्स विच आर कंडक्टेड थ्रू रिटन। और फिर देखें एक मोस्ट सिवियर और फॉर्मल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्मल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट, उस फॉर्म को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बाय डील, ये भी रिटन होता है, ये गवर्नमेंट पेपर पर होता है, वो जो लीगल पेपर होता है, उसको बॉन्ड पेपर भी कहते हैं, स्टैम्प पेपर भी कहते हैं, एफिडेविट भी कहते हैं, जिसपे जुडिशरी का चांद सितारा एम्बलम बना हुआ होता है, सही है। उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट बाय डील। लेकिन इसकी कुछ और नेसेसिटीज भी है जिसको हमने देखना है। सो क्लास, कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए एक खास पेपर पर, पार्टीज के क्या होने चाहिए उस पर, दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, और किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट की उस पर क्या लगी हुई होनी चाहिए, स्टैम्प और सिग्नेचर, जिसको मिला के यहाँ पर क्या लिखा गया, ऑथोराइज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, देखिए आप कोई भी, आप टीएसए का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं डीड के थ्रू, अगर दोनों पार्टीज राजी हैं। लेकिन लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर्स ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली लॉ में रिटन है कि इनको बाय डीड होना जरूरी। अक्सर आप देखो गांव देहात में जो है ना, वो जाहिर है उन मासूम लोगों को पता तो होता नहीं है लॉ वगैरह, तो वो जबान पर जो है वो, इस हिसाब से मैं मासूम कह रहा हूँ, भारत आपका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है अपना अपना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जबानी कलामी, जमीन क्या कर दी किसी को दे दी, अब वो बंदा जिसने, दोनों ने जिन्होंने तय किया था वो तो क्या हो गए, उनके उनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, उनके जो उनकी जो जनरेशन है वो आपस में क्या कर रही है, लड़ कोर्ट में केस कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने कह दिया है बाय डीड होना जरूरी है, और अगर डीड नहीं है तो लॉ फिर अदालत कहेगी ठीक है किया होगा भाई आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमने जैसे कहा था कॉन्ट्रैक्ट करने को वैसे आपने नहीं किया। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ में लिख दिए गए कि वो कैसे होना जरूरी है, डीड के थ्रू। आप हर कॉन्ट्रैक्ट डीड के थ्रू कर सकते हैं, आप 20-20 रुपए के एफिडेविट लेकर आपने जो है वो अपने बैग में रख लिए, सब्जी लेने जा रहे हो, वहीं टाइपराइटर निकाला, सही है, पूरा वो किया, अपने साइन किए, उससे कहा अंगूठा लगा भाई सब्जी वाले, फोटो कॉपी करवा के एक उसको दी, एक अपने पास रखी, तो भाई ठीक है ऐसे करना है, मजा आ रहा है ऐसे, ठीक तो कर लो ऐसे, लॉ को कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन वहां जरूरी नहीं है।
इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोला जाता है इनको? क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स के साथ हो रहे होते हैं, या तो ओरली और या फिर इन राइटिंग। एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेस का अपोजिट है। अगर एक्सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स से होता है तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फिर वो है जिसमें आपको वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं रहती, जो पार्टीज के एक्शंस और कंडक्ट से रिड्यूस कर लिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, इजी सी एग्जांपल देखो, तुम एक शॉप पर गए, लेस का 100 वाला पैकेट उठाया तुमने और वो आके शॉपकीपर को दिया और 100 रुपए दे दिए उसको। शॉपकीपर ने वो पैकेट लिया, थैली में डाला, वो तुमको दे दिया, किसी ने कोई बात नहीं। लॉ कैसे इंटरप्रेट करेगा इसको? लॉ तुम्हारे सेक्शन को ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि जब तुम डेज का 100 का पैकेट उठा के ला रहे हो काउंटर पे तो तुम हलफ ले रहे हो। लॉ की इंटरप्रिटेशन है, लॉ कह रहे हो, तुम कह रहे हो अगर तुम मुझे ये लेस का 100 रुपए वाला पैकेट देते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ। और लॉ दुकानदार को कैसे देख रहा है? उसने भी हाथ उठा लिया ऐसे ओथ का, अगर तुम मुझे 100 रुपए देते हो तो मैं तुम्हें डाल के देता हूँ थैली। और दोनों की क्या हो गई? डील हो गई, लेकिन कहा कुछ नहीं, उनके एक्शन से डिड्यूस कर लिया। क्योंकि देखो यही है ना रीजनेबल डिड्यूस करना। एक बंदा काउंटर से उठा के चिप्स लेकर आ रहा है और उसके पैसे प्रेजेंट कर रहा है कैश काउंटर पर, तो व्हाट इज मोर रीजनेबल टू बिलीव? क्या वो शॉपकीपर के सामने वो चिप्स का पैकेट जिसमें हवा भरी हुई है उसको फाड़ना चाहता है इसलिए लेकर आया वहां पर? सही है। या उसके मुंह पे मारना चाहता है वो इसलिए लेकर आया वहां पर? सही। या वो ये करना चाहता है, देखो 100 रुपए का कितना वेट है और इन लेस का कितना वेट है, ये करना चाहता है वो? नहीं। व्हाट इज रीजनेबल टू बिलीव कि वो क्या करना चाहता है? वो डील करना चाहता है, खरीदना चाहता है। अगर वो सलाम दुआ कर रहे हैं और भाई अंकल आप कैसे हैं ये और वो, और मैं ठीक हूँ बेटा तुम कैसे हो, ये सब चल रहा है, तो ये डील का पार्ट नहीं है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इसके हम उसको। बस स्टॉप पे खड़े हुए आप, सही, आप किसी बस का इंतजार कर रहे हैं, वो अक्सर होता है रिक्शा वाले आके मक्खियों की तरह मंडलाना शुरू हो जाते हैं आपके पास। अब वो आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे उसको, वो आपको देख रहे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ही नैनो से नैन मिले तो वो क्या कहते हैं आपको ऑफर करे। तो अब उसने ऑफर किया, आप जाके बैठ गए रिक्शा में। दिस इज अंडरस्टूड कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इसका कोई ना कोई पैसे होंगे जो आपने देने होंगे। ये अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप वहां जाएंगे और ये वो कहेगा कि पैसे, और आप कहेंगे कैसे पैसे भाई, आपने यूं किया तो मैं आगे नहीं ना बैठ, या आप इस तरह की कोई लतीफे वाली हरकत करेंगे कि वो 400 बनते हैं तो आप उसको 200 देंगे, तुम भी आयो मेरे साथ यहाँ पर। सही है। तो ये सब नहीं होगा, ये अंडरस्टूड नहीं है। अंडरस्टूड है कि आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करोगे तो जो फेयर बनता है नॉर्मली वो आपको पे करना होगा। सो दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, वी कैन कॉल देम एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे आर कंडक्टेड थ्रू द पार्टीज कंडक्ट एंड देयर एक्शंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिस तरह से मार्केट में हो रहा होता है। लेट से तुम्हारा नाम था, सॉरी, फुरकान, सही, सऊद। ना फुरकान को सऊद से लोन लेना था। लेट फुरकान सऊद के पास गए, सऊद ने कहा कि यार आप ऐसा करो कि कोई गारंटर लेकर आ जाओ जो आपके इस लोन की गारंटी देते तो मैं आपको लोन ले लूं। फुरकान आए फैजान के पास, वो उनके दोस्त थे फैजान, तो उन्होंने फैजान से कहा, फैजान ने कहा ठीक है मैं गारंटी दे देता हूँ। फैजान आए सऊद के पास कि यार वो फुरकान जो है वो मेरा जानने वाला है, आप कोई मसला नहीं लोन दो, मैं गारंटी लेता। सही है। अब देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किन किन लोगों के दरमियान हुआ? लोन का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ? फुरकान। लोन का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ? फुरकान और सऊद के दरमियान। गारंटी का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ? फैजान और सऊद के दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो चीजें अपनी जगह पर। यहाँ ऐसे किसी थर्ड पार्टी, कोई क्या कहेंगे आप उसको, स्ट्रेंजर पार्टी को पे बिलीव करके नहीं किया जाएगा ये काम। लेकिन देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एज वेल बिटवीन टू मोर पार्टीज, दैट इज अपना फुरकान एंड फैजान। कि अगर फैजान को, सॉरी, अगर फुरकान की बिहाफ पर फैजान को गारंटी मनी देना पड़ गया, फुरकान ने डिफॉल्ट किया, सऊद ने किसके पास जाना?
फैजान के पास कि भाई मुझे गारंटी का अमाउंट दो जो आप दे रहे थे, फैजान ने वो पे कर देना। तो देर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन होम फुरकान एंड फैजान कि अगर ऐसा हुआ तो फैजान को रीइंबर्स कौन करेगा फ्यूचर में, वो अमाउंट फुरकान करेंगे क्योंकि ओरिजिनली वो पैसे किसके बिहाफ पे दिए हैं, फैजान ने फुरकान के बिहाफ पे दिए। एक तरीके से लॉ में इसको ऐसे लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर का के कपड़े होते हैं वो कौन पहन लेता है, गारंटर पहन लेता है। पहले क्रेडिटर की तरफ लायबल था डेटर, अब किसकी तरफ लायबल हो गया, गारंटर की तरफ लायबल हो गया। ये वो बात है जो इन्होंने इनिशियली डिस्कस, इन्होंने कहा था गारंटी दे दो। कल कला को अगर फैजान आते हैं, यार मेरा पैसा कब दे रहे हो आप, कैसा पैसा, कौन कह रहे हैं यहाँ पर, फुरकान। फैजान कह रहे हैं यार आपके बिहाफ पे मैंने गारंटी दी थी उनको, आप पैसे देने पड़ गए। तो फुरकान कह रहे हैं तो आपने दी थी ना गारंटी, तो आपने दे दिए पैसे अब। तो फैजान फुरकान पे क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं और केस करके क्लेम करेंगे। जज साहब फुरकान को समझाएंगे कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। इम्प्लाइड भी समझ में आ जाता है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं थोड़े आसान कॉन्ट्रैक्ट की। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें क्लास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, विच इज कंडक्टेड थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूजली जो हम ऑनलाइन साइन अप्स कर रहे होते हैं, हमारी ACCA की रजिस्ट्रेशन, हमारा पेपर की फीस देने का सारा प्रोसेस, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, IT डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन्वॉल्व हुआ है, उसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दो पार्टीज अगर ईमेल पे डील करनी है क्या बोलोगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। रिटन होने के साथ साथ क्या होगा वो, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। अब पेपर में एक क्वेश्चन आया कि दो लोग डील करना चाह रहे थे, तो उन्होंने किया ये, एक ने कि उसके पास कंप्यूटर था और प्रिंटर था, तो उसने सारी टर्म्स लिख ली कंप्यूटर पर और उसका क्या निकाल लिया, प्रिंट निकाल लिया, और उस पेपर पर दोनों ने साइन कर। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सिलेक्ट करना चाहिए। रिटन कहने वाले हाथ उठाने, ठीक है जी, ओरल तो ऑब्वियसली नहीं है, डीड कहने वाले हाथ उठाने, डीड भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट पेपर नहीं है, नॉर्मल पेपर पर हुआ। अच्छा जी और कौन सा बचा था, इलेक्ट्रॉनिक, ये कहने वाले हाथ सही है। क्यों बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर में टाइप किया था इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। यही हमने बिलीव किए, ये अपना थोड़ा सा ट्यून अप कर लेना। कंप्यूटर को अगर आपने यूज किया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपने मैनुअली किया है, हार्ड कॉपी निकाल के किया है, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, अगेन ये देखो कंप्यूटर के थ्रू पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कंप्यूटर को एज अ असिस्टेंस लेकर उससे क्या निकाला जा रहा है, कंप्यूटर और प्रिंटर से प्रिंट निकाला जा रहा है। फाइनल शक्ल क्या है उसकी, पेपर पर हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, सही है। आपका और करीम का कॉन्ट्रैक्ट, करीम द ऐप कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाई करो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। फूड पांडा के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। सेवियर पे आप कैशबैक ले रहे हैं वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्ले स्टोर से कोई ऐप परचेज कर रहे हैं आप वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक। टोटली थ्रू क्या हो रहा है, डिजिटल मेथड्स के थ्रू, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगला देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो ऐलानिया कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। जैसे मैं एक दफा मैं रोटी लेने के लिए कहीं पर रुका, तो वहां पिलर पे ना एक तलाशी गुमशुदा का पोस्टर लगा हुआ था, बिल्ली की तस्वीर थी उसमें, उन्हें लिखा हुआ था पिंकी बिल्ली का नाम, ठीक है। तो उसमें उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन थी पिंकी साहिबा की, तो उसमें उनकी एक आंख नीली थी एक आंख हरी थी, सही है, एलियन बिल्ली थी शायद। खैर पिंकी को पिंकी बुलाओ तो वो पीछे पलट के भी देखती है, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। बहुत सारी चीजों के बाद फिर उन्होंने लिखा हुआ था कि इसको इस पते पर, जिसको भी मिले वो इस पते पर, नंबर दिया हुआ था इस पते पर पहुंचा दे तो उसको 50,000 रुपए का इनाम मिले, सही है। पिंकी की वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपए।
अब मुझे बताइए, मैंने पढ़ा हुआ एडवर्टाइजमेंट, ठीक, अब अगर मैं ढूंढने निकल जाता हूँ, मैंने कहीं इस पे तो लिखा हुआ है पिंकी बुलाने पर वो देखती भी है, तो मैं जो है वो मेगाफोन लेकर निकल जाता हूँ, पिंकी पिंकी पिंकी, सही है, मेरे साथ बहुत गलत भी हो सकता है, सही है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंड कर ले इस चीज को कि मैं बिल्ली को बुला रहा हूँ यहाँ बाहर, तो मैं निकल गया, मैंने बोलना शुरू किया, वो कोई लकी नहीं जो है वो मुझे, एक बिल्ली ने मुड़ के देखा, मैंने जो उसको गौर से देखा उसकी एक आंख पीली एक आंख हरी थी, मैं डरा नहीं कि इसमें भुट्टो घुसा हुआ है, सही है, भूत घुसा हुआ, मैं नहीं डरा और मैंने उसको पकड़ के जो है वो उस पते पर ले गए। मुझे बताओ क्या मैं इंटाइटल्ड हूँ उस अमाउंट के लिए? मैं इंटाइटल्ड हूँ उस अमाउंट, ये है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक साइड से पार्टी ने कम्युनिकेशन की, सही, कौन सी पार्टी ने कम्युनिकेशन की? उस बिल्ली के ओनर ने, और एक साइड से कम्युनिकेशन नहीं हुई, दूसरी साइड से क्या हो गया? कंडक्ट परफॉर्म हो गया, एक्शन हो गया, जो कम्युनिकेट किया गया था वो एक्शन किसी ने परफॉर्म किया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को यूनिलैटरल, एक साइड की कम्युनिकेशन से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक साइड की कम्युनिकेशन होती है, दूसरी साइड से क्या होता है? नीडेड कंडक्ट होता है। इसी तरह से बच्चे का ऐलान हो रहा है, बच्चा गुम गया है, सही, जिस किसी को मतलब मिले वो इसने ये शर्ट पहनी हुई है, ये पैंट पहनी हुई है, और जिसको मिले वो इस पेरेंट्स से रابطہ करे, 5 लाख का लेट्स उस पर जो है वो प्राइस मनी रखा गया, तो जो भी उसको लेकर आएगा, ठीक, उसको वो प्राइस मनी के लिए जो है वो इंटाइटल्ड होगा। भाई एक केस देखते हैं हम, फिलहाल अभी नमाज ब्रेक अगर हम करेंगे, मेरा इरादा है 8 बजे तुम लोगों को छोड़ने का आज ना, तो अगर हम नमाज ब्रेक अभी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम नहीं रहेगा, 8 बजे तक नमाज का टाइम होगा मेरे ख्याल से, तो पढ़ी जा सकती है उसमें, और अगर अभी फौरन नमाज ब्रेक चाहिए तो मैं सिर्फ 10 मिनट का दे सकती हूँ, बताओ, आइए 10 मिनट का ब्रेक जिसको चाहिए नमाज के लिए हाथ उठा ले, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, सही, फिलहाल 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम ये केस देखेंगे, सही है, वापस आके बोलना
अच्छा जी, तो हम ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे और हमने देखा कि इसमें होता ये कि वन पार्टी कम्युनिकेट करती है और अदर पार्टी जो है वो कोई ना कोई एक्शन करती है, कंडक्ट करती है। सो ये केस देखते हैं, हमारे कोर्स का पहला केस हम देखें। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि केसेस हम क्यों देखते हैं, केसेस के नाम, उनके ईयर्स, ये कुछ हमें पेपर के हवाले से याद नहीं रखते। केस की जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा ये भी हमने याद नहीं रखी। हम क्यों देख रहे हैं फिर केस? एक तो केस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बन के सर्व करता है, सही है, तो हमें टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। दूसरा जो रीजन है हमारा केस देखने का वो ये है कि कुछ इस तरह के केसेस है, या किसी का फोन आ रहा है मेरे हाउस, तो बेसिकली दूसरा जो रीजन है हमारे केस देखने का वो ये है कि कुछ इस तरह के केसेस हैं जिसमें रूल्स ऑफ लॉ डेवलप हुए, तो मैं जानता हूं उनको कि वो कौन कौन से केसेस हैं, उन्हीं के नाम चेंज करके पेपर में सिनेरियो आते हैं। आपने जब एक दफा केस मेरे साथ क्लास में देख लिया होता है तो उधर उस पेपर में सिनेरियो डील करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप स्टोरी को रिलेट कर जाते हैं। स्टोरी आपने याद नहीं रखनी, बस इस तरह से पढ़ना है कि हाँ एक दफा और ये सामने आ गए तो इसको आप कम से कम पढ़ लो, ठीक है। सो क्लास कैरलल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी। कैरलल एक साइनस की पेशेंट थी, सही है, और वो तंग आ चुकी थी अपने इस इशू से। तो उसने एक दिन अखबार में एड देखा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का जिसने एक मेडिसिन बनाई हुई थी साइनस के पेशेंट्स के लिए, और उन्होंने इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था कि वही बात, खुशखबरी फॉर साइनस पेशेंट और ये और वो, और उन्होंने कहा हुआ था कि जो भी कोई हमारी ये मेडिसिन यूज करेगा 2 महीने तक तो उसका साइनस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, और अगर उसको साइड इफेक्ट के तौर पे फ्लू हो गया तो हम उसको 100 pounds का रिवॉर्ड देंगे। कितना प्रॉमिस किया था उन्होंने, 100 pounds का रिवॉर्ड। कैरलिन ने जब भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ा तो कैरलिन ने कहा कि चलो भाई इतने सारे ऑप्शन तो पहले ट्राई किए, ये भी ऑप्शन देख लेते, तो उसने वो मेडिसिन खरीदी, उस पर जो डोसेज लिखी हुई थी उसके हिसाब से उसने उसको यूज किया 2 महीने तक और फ्लू हो गया उसको साइड इफेक्ट के तौर पर। तो उसने किया ये फिर के अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के डॉक्टर से वो रिपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट की कॉपी के साथ काट कर अखबार से वो उसने लेटर लिखकर भेज दिया कंपनी को कि भाई मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए, मुझे साइड इफेक्ट के तौर पे फ्लू हो गया। कंपनी ने इमरान खान बन गई कंपनी, यूटर्न ले लिया कंपनी, नहीं नहीं वो तो एक एडवर्टाइजिंग स्टंट था, अब उसमें हम मामले में जो है वो कोई, अब ऐसे थोड़ी है कि अगर पूरे यूके को फ्लू हो जाएगा तो हम सबको 100 pounds देते रहेंगे। उन्होंने ये रिप्लाई कैरलिन को लिख के भेजा, कैरलिन ने कहा ऐसी तैसी। मैं आपको बता दूं यूके में किसी को गलत छींक भी आ जाए ना, अगर कि डॉक्टर ने कहा आपको इसके बाद 15 आदमी आ गई, आपको इसके बाद ये मेडिसिन के बाद 7 छींक उससे ज्यादा नहीं आएंगी, उसको 8वीं छींक आ गई वो फटाफट कहाँ जाएगा,
तोड़ जाएगा, इस तरह से लोग जो है ना वो पार्टीज को होल्ड करते हैं। एक बंदा अपने रुमाल धुलने के लिए देखे गया, वापस जब कलेक्ट करने के लिए आया तो उसके रुमाल मिसिंग थे, कपड़े थे उसके लेकिन रुमाल मिसिंग थे। उसने उस पर केस कर दिया लाउंड्री करके, मेरे रुमाल को दिए लाउंड्री। इस तरह से जब आप करते हैं अपने राइट्स क्लेम करते हैं तो वहां कंपनीज जो है ना वो अलर्ट होकर चलती है, फिर सुधर के चलती है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, कंपनी पे कैरल ने केस किया और जज ने जो है वो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से कहा कि आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था तो उसमें आपने प्रॉमिस किया था कि जिस किसी को भी हमारी मेडिसिन यूज करके साइड इफेक्ट के तौर पे फ्लू हो गया, कंडीशन रखी आपने, उसको हम क्या करेंगे, £100 का रिवॉर्ड देंगे, ये प्रॉमिस किया था आपने। अब प्रॉमिस आपने क्या करना, पूरा करना, क्योंकि वो जो सिचुएशन, जो कंडीशन आपने रखी थी रिवॉर्ड देने की, वो कैरल पूरी उतर चुकी है। एक साइड से कम्युनिकेशन हुई, दूसरी साइड से क्या हुआ, कंडक्ट हुआ। कैरल ने मेडिसिन खरीदी, उसको यूज किया और फ्लू कैच कर लिया। ये पूरा का पूरा कंडक्ट जज कह रहा है कि इस कंडक्ट की वजह से और आपकी उस कम्युनिकेशन की वजह से दोनों पार्टीज के दरमियान क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट में यूजली होता है ये कि एक पार्टी पहले स्टेटमेंट देती है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉमिस कहते हैं हम, जिसको हम आसान अल्फाज में ऑफर कहते हैं। एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी अगर उस ऑफर से एग्री कर रही होती है तो वो दूसरा स्टेटमेंट देती है, ठीक है और आई एम ओके विद इट, इसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए क्या दी, ऑफर दी। कैरल ने कंडक्ट कर मेडिसिन खरीद कर उसको यूज कर फ्लू कैच कर क्या दे दी, एक्सेप्टेंस की। बात समझ में आती है, कौन केस जीता यहां पर? I'm sure जब आप केस सुन रहे होंगे तो आपका कॉमन सेंस भी यही कह रहा होगा किसको केस जीतना चाहिए, कैरल को, और जज ने भी यही बोला कि कैरल जो है वो जीतेगी ये केस बिकॉज कैरल के साथ बुरा हो रहा है। ये वादा खिलाफी जज नहीं करने देंगे किसको, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये बात समझ में आती है। एक और केस देखते हैं, विलियम्स वर्ड कार्बर डाइट। होता ये कि एक मर्डर होता है लंदन में और उस मर्डर में पुलिस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि दो लोग इन्वॉल्व थे, एक मर्डर का साथी था और दूसरा मर्डरर खुद था। पुलिस ढूंढना शुरू करती है, पुलिस को मर्डरर नहीं मिलता, तो पुलिस चीफ जो होता है उस जगह का, जिसका नाम कार्बरडाइन था, वो अखबार में एक अपील करता है, जो भी कोई मर्डरर का साथी है वो अगर स्टेप आउट करता है और सरेंडर करता है हमारे पास आके और हमें मर्डरर के वेयर अबाउट्स की इंफॉर्मेशन दे दे कि मर्डरर कहाँ छुपा हुआ है और हम उस मर्डरर को वहां से पकड़ लेते हैं, तो हम उसकी सजा में क्या कर देंगे कमी, जिसने आके जो है वो उस वक्त मर्डरर को सपोर्ट किया था, अभी आके हमें सपोर्ट कर दे। तो ये मर्डर की में इन्वॉल्व होते हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड ने मर्डर किया होता है और वाइफ ने उसको क्या किया होता है, फैसिलिटेट किया होता है। तो वाइफ जैसे ही वो अखबार की अपील पढ़ती है वो फटाफट जो है वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को कहाँ छुपा हुआ उसके बारे में बता देती, पुलिस वहां से उसको जाके पकड़ लेती है। उसके बाद जाहिर आप अगर कोई अगर मर्डर कर रहा है उस पर तो चार्जेस लगते ही है, कोई मर्डरर की हेल्प कर रहा है तो एकम्प्लाइज के चार्जेस लगते हैं, उस हेल्पर के चार्जेस लगते। तो अब जो वाइफ पर हेल्पर के चार्जेस लगे, वाइफ ने क्लेम किया कि मेरे ये चार्जेस क्या किए जाए, कम किए जाए क्योंकि पुलिस की अपील थी। तो जब पुलिस ने नहीं माना इस चीज को और कोर्ट ने उसकी अपील को डिनाई किया तो उसने किस पर केस कर दिया, पुलिस चीफ पर केस कर दिया। विलियम्स वैसे मर्दों का नाम होता है लेकिन यूके में सर नेम से कॉल किया जाता है। तो वाइफ ने किस पर केस कर दिया, पुलिस चीफ पर। जीतेगी केस, हारेगी, जीत गई केस, सही है। जज ने कहा कि जब आपने पुलिस चीफ से कहा, जब आपने इस तरह का प्रॉमिस किया था, आपने खुद तो नहीं पकड़ा ना उसको, उसकी हेल्प से पकड़ा था, तो भाई उसका जो आपने प्रॉमिस किया था वो आप सपोर्ट उसकी करो, उसकी सजा में क्या करो, आप कमी करो। तो ये भी हमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। अखबार में अपील हुई, उस अपील पे जो कोई पूरा उतरा उसने खास एक्शन कर दिया उसका, उसके साथ जिसने अपील दी थी, क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक साइड की कम्युनिकेशन, दूसरे साइड का कंडक्ट। पुलिस वालों की तरफ से कम्युनिकेशन थी, वाइफ की तरफ से क्या था, कंडक्ट था। अच्छा जी, अब
यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है तो एक कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की एक आसान एग्जांपल हम ऑलरेडी देखकर आ रहे हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में दी थी मैंने। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए और इंसिडेंटली उसका तीसरी पार्टी के साथ भी उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बने तो उसको क्या कहते हैं हम, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अभी लोन ले रहे थे फुरकान सऊद से, एक ये कॉन्ट्रैक्ट बनना था और इंसिडेंटल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनना था, सऊद और फैजान के दरमियान। तो सऊद एक पार्टी हो गए जो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे फुरकान के साथ और एज अ रिजल्ट उनका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बन गया, अपना जो फैजान है उसके साथ बन। सो एक पार्टी अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करी और उसका इंसिडेंटली तीसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा तो उसको हम कोलैटरल बोलते हैं। जरा ये केस भी देखते हैं, शैंकलिन पियर लिमिटेड वर्सेस डेटेल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस केस में क्या होता है जी, शैंकलिन पियर पियर ओनर्स है, ठीक है, शिप का डॉक इनके पास होता है, शिप वहां आके डॉक होता है और सामान लोड और अनलोड होता है। तो इनका जो ऑफिस होता है ना वो उस जगह की वेदर कंडीशन की वजह से, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है पोर्ट साइड पर, तो उनके जो ऑफिस होता है उसका पेंट वगैरह सब खराब हुआ हुआ है। ऐसा हुआ होता है जब आपने एफबीटी की क्लास यहाँ पर ली, सही है, अभी हमने ठीक करवा दिया उसको, खैर, तो पेंट वगैरह सब उखाड़ा होता है। शैंकलिन पियर का ये सिलसिला है, डेटल प्रोडक्ट्स वाले पेंट की कंपनी है, इन्होंने एक बिल्कुल नया पेंट बनाया और खास तौर पे वो इसी किस्म के कंपनीज के लिए बनाया जो पोर्ट साइट पर फंक्शन कर रही होती है, और इनकी वो नई टेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू देम कि उसमें 30 साल तक पेंट जो है वो अपनी जगह से नहीं होता, खराब नहीं होता। तो डेटेल प्रोडक्ट्स का एक सेल्समैन शैंकलिन पियर के ऑफिस आता है और उनसे कहते हैं कहाँ बैठे हैं आप, हमारा पेंट नहीं, ये आप लगाएंगे 30 साल तक आपकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो वो अच्छी तरह से उनको शीशे में उतार लेता है कि वो जाता है और वो अपने पेंटर को बुलाते हैं और पेंटर से कहते हैं कि डेटेल प्रोडक्ट्स का ये वाला पेंट जो है वो आपने करना है। पेंटर कहता है ठीक है। वो जब पेंट लेकर आता है तो उस पर कुछ खास प्रिकॉशंस होती हैं, तरीका बताया हुआ होता है पेंट करना किस तरह से, तो उसमें सारी वॉल्स वो क्या कर देता है, स्क्रैप कर देता है अकॉर्डिंग टू द प्रिकॉशंस, और नए तरीके से फिर वो जो भी सिलसिला होता है उसके हिसाब से वो पेंट करता है जो कुछ लिखा हुआ है। शैंकलिन पियर का एक मैनेजर उसको सुपरवाइज कर रहा होता है कि वो सब चीजें प्रिकॉशंस के हिसाब से करें। कितना क्लेम किया था उन्होंने, 30 साल। तो ये पेंट कंप्लीट होता है उसके बाद 3 महीने बाद उसकी जो लेयर्स हैं वो बनके उतरना शुरू हो जाती, सही है। शैंकलिन पियर डेटेल प्रोडक्ट्स से क्लेम करते हैं कि भाई देखें आपके बंदा आया था हमारे पास, उसने कहा था 30 साल तक चलेगा, हमने फॉरन पेंट करवाया और ये देखें आप 3 महीने में उतरना शुरू हो, तो फटाफट कहते हैं आपके पेंटर ने सही पेंट नहीं किया। कहते हैं हमारे मैनेजर ने उसको सुपरवाइज किया है, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी ही है डॉक्यूमेंट पे उसके हिसाब से पेंट किया गया और वो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहते हैं हम, हमारी ये जो सारी की सारी हमने कॉस्ट इनकर की है ये आप पे करोगे, हमें सारा पैसा हमारा क्या हुआ, जाया हुआ। तो जब डेटेल प्रोडक्ट्स डिनाई करता है क्लेम ये करके कि आपका और हमारा तो कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, पेंट तो कौन खरीदने आया था हमारे पास, पेंटर, वो को केस करे तो फिर बनता भी, आप तो हम पे केस भी नहीं कर सकते। तो शैंकलिन पियर जो है वो अपने वकील से पूछते हैं, वकील कहता है बिल्कुल केस कर सकते हैं, केस कर सकते। वकील के पास आप जब भी जाएंगे वो हमेशा यही कहेगा बिल्कुल केस कर सकते हैं, केस करते हैं, सही है। इवन जब कोई केस हार जाएगा तब भी वकील को आप देखेंगे वो यही कहेगा घबराना नहीं है अभी अपील करेंगे हम, सही है, ठीक है। तो वकील कहता है बिल्कुल केस कर सकते हैं, ये केस कर देते हैं। डेटेल प्रोडक्ट्स का वकील जब अदालत में आके ये कहता है कि जज साहब ये केस कर ही नहीं सकते, तो जज साहब उसको वहीं चुप करा देते हैं, ये तो मैं देखूंगा ना वो केस कर सकते नहीं कर सकते, आप बताएं आपके डेटेल प्रोडक्ट्स के सेल्समैन ने ये सारी बातें की थी, आपका ये क्लेम है 30 साल का, वो डिनाई नहीं करते, वो कहते बिल्कुल क्लेम है 30 साल का, उन्होंने गलत तरीके से पेंट किया होगा इसलिए जल्दी उतर रहे। जज के सामने भी ये बात आ जाती है कि पेंटर की गलती नहीं है, जज कहते हैं ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है और जिस जिसको ये लगता है कि शैंकलिन पियर और डेटेल प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है बल्कि शैंकलिन पियर और पेंटर का कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो ये जान ले कि शैंकलिन पियर का पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना है लेकिन एज अ रिजल्ट शैंकलिन पियर का डेटेल प्रोडक्ट्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना है क्योंकि
पेंटर ने अपने घर के लिए पेंट नहीं खरीदा, उसने पेंट खरीदा एज एन एजेंट. किसके लिए खरीदा उसने? शैंकलन पियर के लिए. तो यहाँ एक पार्टी दैट इज शैंकलन पियर एक ही वक्त में कितनी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? दो, एक पेंटर और दूसरा डेटेल प्रोडक्ट्स. तो जज कहता है बिल्कुल केस बनता है, आपका पेंट अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का है, अब उनको आप जो है वो कंपनसेशन पे कर. तो शैंकलन पियर फिर कंपनसेशन नहीं करता. तो व्हाट इज अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी ड्यू टू विच अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स विद अनदर पार्टी simultaneously without any communication of offer or. अब आप देखें ना, ना क्या कहते हैं, शैंकलन पियर ने डेटेल प्रोडक्ट्स को कोई ऑफर की थी, ना डेटेल प्रोडक्ट्स की तरफ से कोई उनको एक्सेप्टेंस हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज का क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है. बातें समझ में आ रही है सबको? कोलैटरल समझ में आ जाता है? कोई कंफ्यूजन किसी को? थोड़ा सा टेक्निकल है ये. यूनिलैटरल के ये याद रखिए वो ऐलानिया होते हैं जिसमें अपील की जाती है. एक साइड से क्या होती है और दूसरी साइड से क्या होता है? कंडक्टर. तो अब आप मुझे ये बताएंगे यूनिलैटरल कैसे? ठीक है, वो ऑफर नहीं थी, वो एडवर्टाइजमेंट था जो वो करने आ रहे थे. सही है, हर स्टेटमेंट को हम ऑफर नहीं कह सकते. अब मैं आपको बताता हूँ, एक जगह से मैं गुजरा, वो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, कह रहा हमारा आलू नवाज शरीफ, ये कह रहा था वो. ठीक, अच्छा अब मुझे बताएं वो क्यों बोल रहा है? कम से कम लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो कम से कम मुड़ के देखेंगे, और बाकी उसको लोगों को आलू नवाज शरीफ के सर की तरह से चमकता हुआ नजर आएगा, तो हो सकता है वो घर खरीदते हुए चले गए. समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर मैं रुक जाता वहां और मैं उससे कहता ये क्या बोला आपने, सही है आलू नवाज शरीफ कहाँ है नवाज शरीफ, मैं कहूँ उससे मेरा दिल चाह रहा है मैं जूते मारूं नवाज शरीफ को, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पर. तो ये बात क्या हो जाएगी एक तरीके से? वो उसका जस्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है. हर बात को हम जो है ना वो एक पार्टी के लिए ऑफर नहीं कह सकते. ठीक है, ऑफर पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. आज की क्लास के लिए हम ये लास्ट टाइप देख रहे हैं. क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें? सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसका दूसरा नाम है डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट. इसको सही करवाना पड़ेगा वरना ये दरवाजे ही तो हो जाएगा. ठीक है, सो सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका दूसरा नाम डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है. इसको ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने करना होता है, लेकिन आपने उसको सीरीज ऑफ टास्क में डिवाइड कर लिया, सेवर कर लिया होता, पीसेस कर लिए होते, और उसके बाद हर टास्क के साथ आपने कंसिडरेशन एसोसिएट कर लिया. इसकी बेस्ट एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है. सही है, जहां पर जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, ना पूरे पैसे आप पहले दे सकते, देखे देखे फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग रुलते हैं, ज्यादा पैसे दे दिए कंस्ट्रक्टर को पहले ही पहले, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या हो गया? गायब हो गया. So, ना पूरे पैसे उसको पहले दे सकते हैं, और ये भी रीजनेबल नहीं होगा कि जब वो पूरी बिल्डिंग 8-9 महीने 10 महीने में बना के खड़ी कर देगा उसके बाद आप उसको पैसे दें, उसको भी अपने लेबर्स को पे करना है. तो कोई ऐसा अरेंजमेंट सेटल कर लिया जाता है कि भाई कंस्ट्रक्टर कहते हैं मेरी तरफ से इतना हो जाएगा, सबसे पहले तो आप एडवांस दोगे, फिर मेरी तरफ से इतना हो जाएगा तो आप इतना पे कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं बेसमेंट पड़ जाएगी बिल्डिंग की तो आप इतना पे कर दोगे, स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा तो फिर आपको इतना पे करना होगा, प्लास्टर व्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर इतना पे करना होगा, फिनिशिंग हो जाएगी फिर इतना पे करना होगा. सही है, अगेन क्या हो रहा है? आपने क्या डिसाइड किया हुआ? सेवर किया हुआ है बड़े कॉन्ट्रैक्ट को, पीसेस में डिवाइड किया हुआ है, और पार्टीज कह रही है कि इतना हमारी तरफ से तो इतना तुम्हारी तरफ से, चाहे वो आप टाइम की बेसिस पे डिवाइड कर लें या आप काम की नौजियत की बेसिस पे डिवाइड. क्या बोलेंगे इसको? Severable contract या divisible contract. For example, अगर TSA तुम्हें F4 पढ़ा रहे हैं, तुमने कहा फीस क्या होगी, TSA ने कहा भाई देखें फीस हम इस तरह से लेंगे कि आपको टीचर कॉन्ट्रैक्ट लॉ खत्म करा देंगे तो आप इतना पे कर देंगे, सारी फीस साथ नहीं ले, इस तरह से लेंगे, कंपनी लॉ खत्म करा देंगे तो फिर आप इतना पे कर देना, बाकी एजेंसी पार्टनरशिप वगैरह उसके लिए अलग अलग चार्जेस जो है वो आपको बता दिए गए. अब लॉ तो टीचर ने पूरा कवर करवाना है ना,
सही है, लेकिन हर पूरे उस कॉन्ट्रैक्ट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके हर पीस के साथ क्या एसोसिएट करनी है, कंसिडरेशन प्राइस एसोसिएट करनी है, इतना हम तो इतना तुम, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलेंगे सेवेरेबल. अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू टास्क एंड फॉर ईच टास्क देयर इज एन एट्रीब्यूटेड कंसिडरेशन. आज के लिए यहां तक काफी है क्लास. मुझे बताएं कोई क्वेश्चन किसी का, पेपर फॉर्मेट, कोर्स स्ट्रक्चर, बुक्स के हवाले से और जो टॉपिक हमने कवर किया उसके हवाले से. तो क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया? हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा क्या है, एसेंशियल फैक्टर्स देखे कॉन्ट्रैक्ट के क्या है, और कुछ टाइप्स हमने पढ़ी. सही, पहली क्लास में मैं इतना ही करवाता हूँ क्योंकि इतना ही हैंडल कर सकेंगे आप. हम आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा ठीक है. कैपलैन की बुक और मेरे नोट साथ लेके चलूंगा. बीपीपी ना बहुत फैला हुआ है बीपीपी, अगर आप तो लगता है कि आप कवर कर सकती हैं आराम से तो नोट आउट बीपीपी पढ़े. लॉ तो एक ही है, कैपलैन ने उसको वैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ, बीपीपी ने भी. मेरे नोट्स में मिक्सचर, कुछ बातें जो बीपीपी ने अच्छी समझाई हुई है वो वहां से ली हुई है मैंने, कुछ बातें जो मैं अच्छी समझाता हूँ वो भी रखी हुई है मैंने, और जो कुछ बातें कैपलैन में अच्छी है तरीके से लिखी हुई है बिल्कुल नीचे से मिल सकते हैं आपको. चले जी, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है. क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. कोशिश करना कम से कम जब तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कंपनी लॉ चलेगा जब तक आपकी क्लास मिस ना हो, और अगर मिस हो भी जाए किसी वजह से तो नेक्स्ट क्लास से पहले रिकॉर्डिंग जरूर देखना. इंशाल्लाह वेंसडे को हम मिलेंगे फिर. सही है, टेक केयर.